हम चाह रहे होते हैं कि हमारी डिबेट के जरिए हम थोड़ी सी टेंशन को कम करें, हम थोड़ी नफरतें कम करें, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, लेकिन आपने ऐसा क्या कहा जो यहाँ पे पुतले जल रहे हैं हर तरफ, जो है वो मेजर गौरव हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं मोहब्बत है क्या है, पता नहीं, पुतले पुतले कोई मुझे, मैंने बोल रहा था मेरे पुतले जल रहे हैं पाकिस्तान में, मैंने किसी को बोला, यहाँ पे नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया में, तो मैंने बोला साहब मेरे पुतले जल रहे हैं, तो उन्होंने हंस के बोला कि बेटा बुजुर्ग हैं बड़े, 71 साल के, उन्होंने बेटा 30 साल लग जाते हैं चप्पलें घिसते खिसते सड़कों में, और पैसा देना पड़ता है तब जाके पुतला जलता है अपना, तुम्हारा मुफ्त में पुतला जल रहा है, तुम कंप्लेन कर रहे हो यार पाकिस्तान में पुतला जल गया। तो मैंने बोला सर ये कोई अच्छी बात थोड़ा है कि किसी का पुतला जले। बहरहाल आरजू बात ये हुई थी कि मेरे आ, आ, बात तब हुई थी कि अर्नब की डिबेट थी, और अर्नब की डिबेट में ऐसी जो थोड़ा सा जोशीली डिबेट होती है वैसे भी अर्नब की, तो उसमें बात थी, पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कुछ हंडवाड़ा के चलते, जहां पे हमारे पांच साथी, हमारे पांच भाई शहीद हुए थे, तो उन्होंने हंडवाड़ा के चलते कुछ बात बोली, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने कुछ बात बोली बलूचिस्तान को लेके, फिर उन्होंने कुछ बोला, मैंने बोला मेरे पास नंबर हैं जो आपके मरी हैं, मंगल हैं, बुक्ति हैं, और भी मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं वहां पे, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हों या फिर वो जेनेवा में बैठे हों, लंदन में बैठे हों या बर्लिन में बैठे हों, सबके नंबर हैं। और तो बस यही बात थी। तो अब क्या हुआ, मैंने बोला कि इस चीज का जो हंडवाड़ा का बदला है ये होगा मतलब बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में होगा। अब ये मैंने बोला क्या हुआ कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, विद इन 24 आवर्स बलोच फ्रीडम फाइटर्स दे अटैक्ड पाकिस्तान आर्मी, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के छह, आप लोगों के छह बंदे जो थे उनके साथ जो भी हुआ पता है, यू नो वेरी वेल। तो लोग ये कहने लगे साहब पाकिस्तान में कि ये मेजर ने करवाया है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी खुफिया एजेंसी है जो कि प्राइम टाइम टेलीविजन शो में ये कहती है कि अटैक करो, मतलब खुफिया एजेंसी का तो मतलब खुफिया है। हाँ, तो अगर हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं रॉ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं रॉ है, अगर रॉ है तो फिर रॉ का तो मतलब खुफिया एजेंसी है, तो कोई टीवी एंकर को थोड़ा ना रॉ ऐसे, और अगर ये सब चीजें अगर करता भी है बाय द वे कोई, तो इनका कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ना होती है सबके सामने, तो चुपचाप करी जाती है, कोई किसी को बोलता भी नहीं है। तो ये बात हुई, फिर उसके बाद काफी वहां पे हल्ला वल्ला हो गया, फिर कल परसों मेरे पास वो भी आ गया, एक एक बंदा वो AK-47 ले गए कि हम मेजर हम तुम्हारा सर उतार देंगे। तो मैंने मैंने बोला अपने फौजी दोस्तों से कि भैया ये तो कह रहे हैं सर उतार देंगे, तो वो भी पता नहीं किस मूड में थे, रात को कह रहे हैं फिर तू खाना कैसे खाएगा। मैंने बोला तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है, बेवकूफ लोगों, मैंने फोन काटा, मैंने बोला इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो हंसी मजाक में बात टल गई वो जी। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि दोनों तरफ बॉर्डर के दोनों तरफ इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं? अगर कोई थोड़ा बहुत भी इंडिया के फेवर में बात करे पाकिस्तान की साइड से, ट्विटर की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया की, तो फौरन कह दिया जाता है कि जी ये तो रॉ की एजेंट है। और अगर आपकी साइड से कोई पाकिस्तान के लिए बात करे तो कह देते हैं जी ISI के साथ मिले हुए हैं। ये इस तरह की क्यों आपको लगता है कि इस तरह की सोच क्यों है? आरजू जी मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में रॉ का एजेंट कौन है, लेकिन इंडिया में हैं। ISI शायद उनको पैसा देती हो ना देती हो, कितना देती हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अरुंधति रॉय है जिसको आपके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ग्रीन बुक में कोट कर रहे हैं, राइट, एक मुल्क जिसके साथ हमारी चार लड़ाइयां हो चुकी हैं, एक हमारी इंसर्जेंसी ऑब्लिक टेररिज्म हमारी पंजाब में हुई है जिसको सो कॉल्ड कोट अनकोट खालिस्तान का नाम दिया गया था, और फिर कश्मीर में जो टेररिज्म चल रही है, तो ये अगर ऐसे मुल्क का आर्मी चीफ अगर कोई एक ऑथर को कोट करे और बार बार उसको पाकिस्तानी मीडिया में कोट कराया जाए जबकि वो उसको नॉलेज नहीं है कोई कश्मीर की, जो मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बोलता हूं ना वही मैं अरुंधति रॉय को भी बोलता हूं। ये लोग श्रीनगर में क्या करते हैं, ये श्रीनगर में इनका प्लेन लैंड होता है, ये श्रीनगर जाते हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं इतना सा है कश्मीर ना, इतनी छोटी सी जमीन है वो, अगर आप बाय गॉड 30 मिनट एयरपोर्ट से गाड़ी चलाएंगे ना, 30-45 मिनट आप गाड़ी चलाएंगे आप साउथ कश्मीर में पहुंच जाएंगे, इतना पास है। तो उसमें ये लोग जाते हैं श्रीनगर में, ये एक दिन स्पेंड करते हैं, दो चार लोगों से मिलते हैं, फिर ये कश्मीर के बारे में, मैं कह रहा हूँ कश्मीर के बारे में मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बात करी थी, ठीक है, आई वॉज इन्वाइटेड टू एड्रेस द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मैं वहां पर गया था, मैंने 2017 अक्टूबर में
एक्सेशन डे पे मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अपना लेक्चर दिया था, और मैंने यही बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बोली थी उनको कि देखिए जो बात करते हैं आप लोग कि क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में हुए, बिल्कुल हुए हैं, क्या वो इंडियन आर्मी से हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, इसमें ये मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके कह चुका हूं। तो इसमें हम बोले कि जी हमने कोई गलत काम करा ही नहीं कश्मीर में, तो हम ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, हो सकता है एक बार पाकिस्तानी आर्मी बोल दे कि आज तक हमने गलती से भी हमने एक बलूच या एक पश्तून को नहीं मारा, वो कह सकते हैं, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, हमसे गलतियां हुई हैं कश्मीर में, ये हम खुल के कह रहे हैं। लेकिन जितना हो सकता है उतने लोगों को हमने सजा दी है, उतने लोग जेल में भी हैं जो लाइफ सेंटेंसेस काट रहे हैं, दे हैव बीन दिस थिंग। और क्योंकि हमारे यहाँ पता है क्या चक्कर है, आप थोड़े समय के लिए तो गलत काम को छुपा सकते हैं, इंडिया में पॉसिबल है छुपाना, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों का सिस्टम परफेक्ट है, पर कोई ये सोचे कि परमानेंटली कोई छुपा लेगा, ही कांट डू इट, क्योंकि यहाँ पे पावर सिविलियन अथॉरिटी के पास है, फौज के पास यहाँ पे जीरो पावर है, द इंडियन आर्मी यू नो इट डज नॉट हैव एनी पॉलिटिकल पावर एट ऑल। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था अर्जुन जी। जी वैभव जी, अभी मैंने आपने हो सकता है देखा हो या ना देखा हो, आपके जो जस्टिस मार्कंडे साहब हैं उनका मैंने एक इंटरव्यू बनाया था, मेरे बोलने से पहले आपने हंसना शुरू कर दिया, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो अब आपके आप समझ गए कि उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इंडियन गवर्नमेंट को भी, और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन आर्मी गलत कर रही है, जुल्म कर रही है कश्मीर के अंदर। तो आपके अपने लोग भी अब तो ये बोलना शुरू हो गए, अब आप उन्हें मानेंगे नहीं ऑब्वियसली। जस्टिस मार्कंडे कार्डू जब सुप्रीम कोर्ट में थे तब क्या कर रहे थे, उन्होंने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया अगर इंडियन आर्मी अगर ये सब कर रही थी? या तो मार्कंडे कार्डू आज आए और आकर कह दे कि नहीं फला आर्मी चीफ ने मेरे कनपटी पे बंदूक रखी थी कि नहीं तुम्हें सुओ मोटो नहीं लेना, बता देना आपको किस चीज का डर है। ये रिटायरमेंट के बाद ये बातें करना कि यहाँ पे ये हो रहा है वहां पे वो हो रहा है, देखिए मार्कंडे कार्डू वगैरह ये सारे के सारे बास्केट केसेस हैं इंडिया के, इनको कोई पूछ नहीं रहा जब से ये रिटायर हुए हैं। पहले तो ये मुशायरे उशायरे कराया करते थे सुप्रीम कोर्ट में, ये मुनव्वर राणा और ये राहत इंदौरी टाइप जोकर्स को बुला करके, और अब वो भी काम बंद हो गया, अब इन्हें खुद मुशायरों में इन्विटेशन नहीं मिलता, तो अब ये क्या करें? तो ये कभी इनको पता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब जिन्नावाली आजादी का आप नारा लगाते हैं ना तब मीडिया अटेंशन मिलती है, जब आप ये बोलते हैं ना कि वहां पे इंडियन आर्मी जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रही है तब मीडिया अटेंशन मिलती है, बिकॉज इंडिया में जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्मी है। हाल ही में सर्वे आया था और ये हर 4-5 साल पे सर्वे होता है, प्यू का सर्वे होता है, बाकी इंडिया में और भी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल जो सर्वेस करती है, इंडिया में जो मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जो वोट हुई है वो आर्मी है, यानी कि और जुडिशरी उसमें कहीं नीचे है। तो लोग जो है वो जानते हैं कि अगर आर्मी सबसे ज्यादा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल लुक अप टू द आर्मी, तो उनको पता अगर हम इसको टारगेट करेंगे, अगर हम इसके बारे में कुछ बोलते हैं तो हमें तुरंत नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, और इवेंचुअली पॉजिटिव हो या नेगेटिव पब्लिसिटी पब्लिसिटी होती है। दूसरी चीज, आप जहां तक बात कर रही हैं कि बलूचिस्तान में मतलब कोई बात होती है और या इंडिया में कोई बात होती है, देखिए आप एक चीज समझिए कि आपने कहा कि दोनों तरफ जज्बाती लोग हैं, देखिए जज्बाती वहां पे आप कुछ बोलते तो बोलते तुम रॉक एजेंट हो, या यहाँ बोलते तो यहाँ बोलते कि आईएसआई के एजेंट हो। देखिए आपके यहाँ पे अगर आप इंडिया के फेवर में कुछ भी बोलते हैं, ठीक, पहली बात तो पाकिस्तान में से लोग हैं नहीं जो इंडिया के फेवर में कुछ बोलते हो, जो बोलने वाले थे वो सारे के सारे मतलब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में आज की डेट में भी आप जाइए दिल्ली में खान मार्केट है, और दुनिया भर के जो बोलो कि वो वाइनिंग एंड डाइनिंग सेशन वाला जो पूरा सर्किट है उनको आप देखेंगे तो वो 24/7 वो यही काम करते हैं कि अमन की आशा, मुशायरा कराओ, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाओ, उनको यहाँ बुलाओ, हम वहां जाए। देखिए ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जबकि बॉर्डर पे सुकून हो, कश्मीर शांत हो, और कश्मीर में जो अमन है ना वो आएगा तभी जब आपकी जो फौज है और आपका जो डीप स्टेट है जब वो उस चीज को वहां पे जो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जो आपने वहां पे जो बहावलपुर में और मुरीद के में जो सेंटर्स खोल रखे हैं, जब तक ये सेंटर्स बंद नहीं होंगे तब तक कश्मीर में अमन नहीं आएगा, जब तक कश्मीर में अमन नहीं आएगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में अमन नहीं आएगा। तो ये मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि अमन हो, या ये जो वहां पे दिल्ली में बैठते हैं खान मार्केट गैंग में, बाकी वो होना नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। फखर, जैसे इन्होंने बात की है, वो जो अभी हमने भी वीडियो देखी है मेजर साहब के उस पे ट्विटर पे,
तो इस तरह से तो कई बार मैंने भी इंडियन चैनल्स पे देखे कि कुछ लोगों को पकड़ा जाता है क्या दो, और कहा जाता है जी ये टेररिस्ट हैं और ये पाकिस्तान से हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो जो वर्ड वो बोल रहे होते हैं तो उसमें ज्यादातर ऐसे ऐसी हिंदी होती है जो हमारे यहाँ नहीं बोली जाती, बिल्कुल भी नहीं बोली जाती, तो उसमें आप क्या कहेंगे? यार वीडियो बिल्कुल, कल मैंने बल्कि मेजर साहब के उस पे ट्विटर पे मैंने देखी वीडियो, और मैंने एक दफा नहीं दो दफा देखी, मुझे मतलब बल्कि थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा मुझे अजीब अजीब से उसमें एक्सेंट जो है ना मुझे वो नजर आया। कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी बंदा बैठ सकता है, बात कर सकता है, मुंह का छुपा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि वो हिजबुल का बंदा है, जैश का बंदा है, कश्मीर से है, पाकिस्तान से है, या हिंदुस्तान के किसी इलाके से है, ये आप बिल्कुल नहीं वो कर सकते। क्योंकि अभी जब 4-5 दिन पहले अटैक हुआ था काबुल में, तो वहां पे आजकल एक बैग जो है उसकी पिक्चर और उसके साथ AK-47 पड़ा हुआ उसकी पिक्चर, उस बैग के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, तो वो बड़ी वायरल है, मतलब बहुत ज्यादा वो चीज चली। इत्तेफाक ये था कि कल एक मतलब आर्मी से एक बंदा है, उसने कहा कि यार 2013 में ये पिक्चर मैंने बनाई हुई थी, मतलब वो कोई ट्रेनिंग में या जो भी उसका था, तो जिस तरह वो मिलते हैं, मेजर साहब तो खुद रह चुके हैं उसमें फोर्सेस में, तो वो मतलब उनको जो कैरी बैग और वो चीजें दी जाती है तो उसकी पिक्चर कोई उसने बनाई हुई थी। तो वो काबुल अटैक के साथ जो काबुल हमला हुआ हॉस्पिटल के ऊपर और जो वहां पे जनाजे में हुआ, तो उसको उसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए और यहाँ पे हमला करके वापस चले गए। मतलब मैंने अपने अफगानी दोस्तों से भी कहा, मैंने कहा भाई अफगानिस्तान के इश्यूज और हैं, मतलब इसी तरह कश्मीर के बारे में भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कश्मीर का इशू अलग तरह से है, ट्रीट अलग तरीके से किया जाता है। अभी जिस तरह वैभव भाई ने बात की कि यार मतलब दिल्ली में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार अमन की आशा ये वो, बिल्कुल सही है, लेकिन कश्मीर की अच्छी हालत आपकी जरूरत है, वो हमारी भी जरूरत है। अमन सिर्फ इंडिया की जरूरत नहीं, अमन पाकिस्तान की भी जरूरत है। और दूसरी बात कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। मैं ये नहीं कहता मैं यहाँ पे बिल्कुल, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं ये बता दूं कि अगर हम ये कहते हैं कि यार जो हिंदुस्तान है वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान कर रहा, ये भी गलत है। हम कहें कि नहीं सिर्फ हिंदुस्तान सारा कुछ कर रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों की रिवॉल्वरी जो है वो पिछले कम से कम 70 सालों से, जब से 47 से इनको मतलब हिंदुस्तान बना है अलग, भारत बना है और पाकिस्तान बना अलग हुआ पाकिस्तान, तो उसके बाद से ये चीज हमारी चलती आ रही है। इसको हो सकता है और भी टाइम लगे और हमें एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, एक दूसरे की बात करनी पड़ेगी। दूसरी अगर एक मतलब ये सिर्फ नहीं कहना पड़ेगा कि अगर मैं ब्लेम मतलब करता हूं सिर्फ हिंदुस्तान को कि यार हिंदुस्तान ये करता, हिंदुस्तान की पॉलिसी जो कश्मीर के हवाले से है वो इनको रिव्यू करनी पड़ेगी। आज ना करें ये हो सकते 10 साल बात कर ले, हो सकते 15 साल बात कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सारी जिंदगी आप फोर्सेस के साथ रह के नहीं कर सकते, बेशक पाकिस्तान में भी अगर इस तरह की कोई चीज होती है, अफगानिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज हो सकती है, तो आप कितने अरसे फौज को रख सकते हैं? अमेरिका ने 20 साल फौज रखी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अब उनकी चीखें निकली, वो कह रहे यार मुजाकिरात करो और निकालो इनको यहां से किसी भी तरीके से। नाटो फोर्सेस तंग आ गई वहां पे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जो अमेरिका और नाटो फोर्सेज है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। वो तो भाई वो तो वहां के लोग हैं, उनको मतलब ये फिक्र नहीं है, उनको गन मिल गई, बम मिल गया, बारूद मिल गया, उन्होंने हमला कर दिया। जी दो बातें हैं, एक तो अमेरिकन फोर्सेज इन अफगानिस्तान की और दूसरा जस्टिस मार्कंडे कटजू की। तो जहां तक अमेरिकन फोर्सेज की बात है, उनकी चीख इसलिए निकल गई क्योंकि वो किसी और के मुल्क में थे, चाहे वो वियतनाम में उनकी चीख निकली क्योंकि वो किसी और के मुल्क में थे, या फिर इराक में चीख निकली क्योंकि किसी और मुल्क में थे, अफगानिस्तान में चीख निकली तो किसी और मुल्क में थे। हम तो अपने मुल्क में, हम तो नहीं गए ना किसी के दूसरे के मुल्क पे कब्जा करने और ये बोलने कि हम बम मार देंगे और आपके लोगों को मार देंगे। हमारा जो भी कश्मीर में चल रहा है वो तो हमारा मुल्क है, पहली चीज। दूसरी बात मैं क्विकली आपको बता दूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा अर्जुन। मार्कंडे कटजू की आदत है, जस्टिस मार्कंडे कटजू की आदत है कि आर्टिकल लिखेंगे किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में उनको जीरो नॉलेज है। आर्मी के बारे में कुछ आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, आर्मी के बारे में आर्टिकल लिखेंगे, फिर मुझे ट्विटर पर टैग करेंगे और 2-3 आर्मी के जनरल्स जो हैं, जो कि बड़े मशहूर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, गुरु हैं हमारे, उनको टैग करेंगे जबरदस्ती की कुछ रिस्पॉन्स इनके मुंह से निकले। बेसिकली व्हाट मार्कंडे कटजू वांट्स इज पॉपुलैरिटी। वो इतने पॉपुलर है नहीं सोशल मीडिया पे, उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। जैसे वैभव ने बिल्कुल सही बोला कि फारिग हो चुके हैं, ठीक है, अब सबको तो गवर्नर आप बना नहीं सकते, भारत जैसे मुल्क में सबको आप एम्बेसडर बना नहीं सकते, सबको कोई आप
डिपार्टमेंट दे नहीं सकते भाई, इतना बड़ा मुल्क है, नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. तो आप कैसे करेंगे इंडिया में? मैं आप दोनों यहाँ पे, फखर साहब और आप दोनों पाकिस्तानी है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है, तो आप इंडिया को गाली दीजिए, आप आर्मी को गाली दीजिए, आप आर्मी चीफ को गाली दीजिए, आप हिंदुओं को गाली दीजिए, सडनली यू बिकम अ डार्लिंग ऑफ द खान मार्केट गैंग. आप उनके डार्लिंग बन जाते हैं, फिर शैंपेन खुलेगी, फिर वो कैवियर और ये सब वाली पार्टी जो बड़ी महंगी महंगी पार्टीज होती है ना, वो वाली पार्टीज में आपको इनवाइट करा जाएगा. फिर वो शिफॉन सारीज एंड पर्ल्स वाला और वो अमृता शेरगिल मार्ग और पृथ्वीराज रोड और ये सब बड़ी बड़ी ताज पैलेस में पार्टीज, देन यू विल बी इनवाइटेड टू दोस पार्टीज. हम जैसे लोग जो देश की बात करते हैं, राइट, कई पाकिस्तानियों को ये लगता है कि पता नहीं गौरावारिया या वैभव सिंह को पता नहीं कितने पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है, कितने पैसे मिल रहे होंगे, रॉ ने पता नहीं कितने करोड़ों के चेक काट रखे हुए, जाओ तुम ये सब टीवी पे बोलो जो बोलने हैं, ठीक है, बोलना है. देखिए ऐसी बात नहीं है, जितना मैं बोलता हूं ना या जितना अपने वैभव यूट्यूब चैनल पर लगाते हैं, आपने शायद इंडिया में किसी को बोलते हुए नहीं देखा होगा. तो क्या रॉ ने सिर्फ एक ही बंदा हायर कर रखा है? जैसे पूरे रॉ ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए सिर्फ कुलभूषण जाधव एक फेंक रखा था जो आपको मिल गया, पकड़ में आ गया आपके, तो यहाँ पे सिर्फ गौरावारिया था, ऐसा नहीं है. हम जो कहते हैं ना टीवी पे, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ऐसे कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ हु आर वेरी वेरी डिसेंट पीपल. हमारी पाकिस्तानियों से इतनी परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम 99% को तो जानते नहीं ना, तो जिनको आप जानते नहीं आप उनके साथ नफरत कैसे कर सकते हैं. हमारी परेशानी फौज से है. और मैं जब पाकिस्तानी कहते हैं कि, और मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई मतलब कोई बात कह दे या कोई एक्शन हो जाए, कोई फतवाई जारी कर दे आप लोगों के यहाँ. तो देखिए ऐसा है ना कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ मेरी प्रॉब्लम क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता जब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं. मैं बोला क्यों करते हो यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्यों क्यों करते हो? भुट्टो को मार दिया, भुट्टो की बेटी को मार दिया, आपके चार बार तख्ता पलट कर दिया, आपके आईन को फाड़ दिया, ये आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस पर दौड़ चढ़े कि हम वहां पे बैठेंगे, आपका हालत खराब करती पूरे मुल्क का, कह रहे हम आप अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं. ये एक आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम सुना है आप दोनों ने? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जो मुझे लगता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम ये डिस्क्राइब करता है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो अपनी फौज से मोहब्बत करती है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है. स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि लोगों ने, हाईजैकर्स ने जो बंदों को हाईजैक करके पकड़ लिया था, उनको किडनैप कर लिया था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बड़ी साइकोलॉजी की बहुत बड़ी स्टडी है स्टॉकहोम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, इन विच जो पकड़े गए थे, राइट, उनकी बड़ी सॉफ्ट फीलिंग डेवलप हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, उनके बड़ा एक सिंपैथेटिक फीलिंग हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, जबकि उन्हीं को मार रहे थे, उन्हीं को तशद्दुद कर रहे थे. तो मैं कहता हूं जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम की रिलेशनशिप है, दैट इज एक्चुअली लाइक द स्टॉकहोम सिंड्रोम. आप इंडिया में, मैं आपको एक बात बताता हूं, फौज को हम ये नहीं कह रहे, मैं फौजी हूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरी फौज परफेक्ट है या मेरी फौज ने मतलब यू नो हर समय आई एम. इंडिया में जो वैभव ने बोला ना कि अभी कि इंडिया में फौज की सबसे ज्यादा इज्जत क्यों है, क्यों है? हमारी फौज ने कभी कुछ नहीं मांगा देश से, हमारी फौज ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये दे दो वो दे दो. हमारी फौज चाइना से लड़ी 1962 वॉर, जहां पे हमारी फौज की शिकस्त हुई थी 1962 वॉर में चाइना के साथ, और मैं पाकिस्तानी को खुले पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, लेकिन हमारा फौजी कोई पीछे नहीं भागा, सबके सब वहीं पे कट गए, सबके सब वहीं पे शहीद हो गए. बैटल ऑफ रिजांगला है, मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी, मैं आपको बताता हूं, 3000 लोगों से 122 लोग लड़े थे, पूरे के पूरे साफ हो गए, कोई पीछे नहीं हटा. हमारी फौज की इसलिए इज्जत है क्योंकि हमारी फौज कहते हैं, हमारा पता है मोटो क्या है एकेडमी का, मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से हूं, उनका हमारा मोटो है टू सर्व विद ऑनर, हम लोग सेवा करते हैं, वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ इंडिया, हम मालिक नहीं है हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी आवाम हमारी मालिक है, हम उनको सर्व करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, इसलिए हमारी इज्जत है. लेकिन सर हमारी आर्मी भी जो है वो भी तो उसकी वजह से हम जो है आराम से सो सकते हैं, वरना आप लोगों को तो जब मौका मिलेगा तो बॉर्डर के इधर खड़े होंगे. तो वो अर्जुन जी माफी चाहता हूँ, एक बात आपसे कहूँ, आप खुद अपने रिकॉर्ड पे जाके, मैं फिर कहता हूँ कि मेरी बात को आप छोड़ें, आप खुद जो आपके जनरल्स ने बोला है ना, आप फौज की बात कर रही हैं तो आप पाकिस्तानी जनरल्स को बिलीव करिए, आप उनकी बात पर भरोसा करिए. वो लिखते हैं
47-48 में हम पाकिस्तान में नहीं आए थे, पाकिस्तानी कश्मीर वैली में आए थे। 65 में आप लोग अखनूर में आए थे। 2 दिसंबर में आपने आगरा और 4 अलग दीगर एयरफील्ड्स में बॉम्बिंग करी थी। कारगिल में इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में खुद लिखता है कि आई टोल्ड माई बॉयज टू गो इन टू कारगिल। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान आ जाएगा अंदर? अगर 72 साल में एक बार हिंदुस्तान अंदर आया है कब्जा करने के लिए, आप जो स्ट्राइक्स हुई हैं क्रॉस बॉर्डर या सर्जिकल, उनको छोड़ दीजिए, आप 2 मिनट के लिए उनको इग्नोर करिए, अगर एक बार भी आपका कोई जनरल बोल दे, आप तो आप सिविलियन है मैम, मैं ये मान के चलता हूं कि वैभव भी सिविलियन है, फकर भी सिविलियन है, आपको शायद ना पता हो, आपके जब जनरल्स, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने बोला वो बुराक जो एक आपका घोड़ा है वो बुराक और एक एक हॉर्स है, और उन्होंने बोला कि वहां पे जंगे बदर के वहां पे घोड़े आए थे और उनके दांतों पे हमें डस्ट दिखाई दी थी, यानी कि जो डस्ट होती है ना जमीन से उड़ती है डस्ट, वो उनके दांतों पे हमने दिखाई दी थी, और ये मतलब उन्होंने, मैं पूरी किताब पढ़ी है, मैं दिमाग से निकल रही है। तो आपके जो चीफ हैं, चाहे वो अयूब खान है राइट, चाहे वो जिया है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान पे हमला करा है, फिर आप लोग कह रहे हैं हम अमन पसंद है। 4 बार हमला करके आप अमन पसंद कैसे हो सकते हैं जी? एक चीज ये भी होती है ना कि साइकोलॉजी की, जैसे आप बात कर रहे थे कि आप वो जो है वो इतना तंग, मतलब आप किसी को इतना तंग करें या कोई आपको इतना तंग करे कि आप उठकर उसको एक चपेड़ लगा दें, ठीक है, आप उसे एक थप्पड़ मार दें। अच्छा, और फिर आप, ये बिल्कुल होता है अर्जुन जी, अर्जुन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा होता है। अब एक बात बताइए अर्जुन जी, 1965 की जंग है, ठीक है, जो आपके जनरल्स खुद कहते हैं, अयूब खान खुद कहता है कि हम अखनूर पे चढ़ दौड़े थे, आई ऑर्डर्ड माय कैवलरी टू मार्च अपॉन अखनूर, फिर छमजोड़िया की लड़ाई हुई, फिर जो भी हुआ, आप बताइए 1965 में हमने कौन सा कर दिया था साहब, कौन सा आपको प्रोवोक कर दिया था कि आपने चपेड़ मार दी सो कॉल्ड? आप 1965 की जंग का बताइए ना, और कुछ नहीं पूछ रहा मैं। नहीं तो कारगिल में हमने क्या कर दिया था जो आप चढ़ दौड़े, आप ये बात बता दीजिए हमने क्या कर दिया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सारे पागल रहते हैं कि एकदम से? मैंने ये नहीं बोला पागल रहते हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने बोला ना कि हमने इतना परेशान कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बोला चपेट मारो। कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 को राइट, और इसी महीने में मई में एक्शन शुरू हो गया था, जिसमें महीने में हम लोग बैठे हैं, अप्रैल महीने बातचीत शुरू हो गई थी, फिर जून जुलाई तक गया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमने ऐसा क्या करा कि आपने नदन लाइट इन्फेंट्री को कारगिल में भेजा, हमने कौन सा परेशान करा था आपको, ये बताइए कि आपने ये 3 चीजें करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर, मीनारे पाकिस्तान पे, मीनारे पाकिस्तान पे उन्होंने रिस्पेक्ट्स पे करी कैद आजम को, उन्होंने अब बस में लेकर गए लोगों को, बस से लाहौर पार करा, गले मिले मियां साहब से, जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं आपको और ये अमन पसंदी का बार बार कह रहे हैं हमला करो, फौज को मत बैठे नहीं रहो, ग्राउंड से जाओ, ये करो, तो ऑब्वियसली आप दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं, आप दूसरे को कह रहे हैं। मैम सुनिए, आप जो बात कर रही है ना अर्जुन जी, आप एक जनरल बात कर रही है, मैं आपसे खास तौर से एक बात पूछ रहा हूं, आप ये बताइए कि हमने ऐसा क्या करा था, वो कौन सी चीज थी जो पाकिस्तान के दिल में छेद कर दिया, पाकिस्तान को बुरा लगा और पाकिस्तान ने बोला चलो बेटा चढ़ दौड़ो कारगिल पे, हमने ऐसा क्या करा, आप ये हमें बता दीजिए कि आपने इस तारीख को ये गुनाह करा था जिसकी सजा आपको हमने देने की कोशिश करी कारगिल में, नहीं दे पाए वो अलग चीज है, लेकिन हमने इसलिए चढ़ दौड़े, आप बताइए ना, वो एक बात बताइए ना, मैं 10 बातें नहीं बोल रहा अर्जुन जी, हमने एक एक गलती करी होगी, बता दीजिए हमने क्या करा। ऑब्वियसली जाहिर है कुछ ना कुछ उस वक्त जो है, जाहिर है कश्मीर का भी इशू कब से चला आ रहा है, उस पे भी हो रहा होगा, और मैडम एक मिनट होती है, आप लोग पता नहीं लगता सर, आप लोग करते हैं, आपको खुद को पता नहीं लगता हमने क्या किया। अर्जुन जी मैं बताता हूँ आपको, पहली चीज तो कारगिल कश्मीर में नहीं है, मैं ना बड़े पाकिस्तानियों को समझा रहा हूँ, मैं उसको मिक्सअप नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, जी कश्मीर का इशू भी शुरू से सर चला आ रहा है, मैं मुझे मालूम है कि कारगिल और कश्मीर एक नहीं है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो इशू भी चला आ रहा था, और उसके बाद जैसे जो स्टेटमेंट्स आ रही होंगी, जो हो रही होंगी, जो 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 जनरल अजीज की जो ब्रीफिंग थी, जो परवेज मुशर्रफ की ब्रीफिंग थी, जिसमें मियां साहब बैठ के चिकन सैंडविच खा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या ब्रीफिंग चल रही है, फिर यही बात परवेज मुशर्रफ ने अपने किताब में इन द लाइन ऑफ फायर भी लिखी है परवेज मुशर्रफ ने, और परवेज मुशर्रफ ने यह भी लिखा है कि जो मेरा इरादा था कारगिल की लड़ाई लड़ने का, वो ये था कि मैं सियाचिन को आइसोलेट करूं, हाईवे 1 अल्फा को काट के स्ट्रेटेजिक हाइट्स को हम लोग कमांड करें, और बिल्कुल, और हाईवे 1 अल्फा को हम या तो बाय ऑब्जर्वेशन या बाय फायर,
फौज में दो तरीके से हम लोग डोमिनेट करते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन से या फायर से। तो हम या तो ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करें या फायर से। वो जाके मैं जगह देख चुका हूं, मैं वहां पर खड़ा हो चुका हूं जहां पर लड़ाई हुई थी, मैं वहां पर गया हूं, वहां पर मैंने शूट कराए, लोगों से मिला हूं मैं वहां पर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कश्मीर का आपके जो दीफ द कारगिल वॉर हैड नथिंग टू डू विद कश्मीर, इट वॉज टू आइसोलेट सियाचिन। मैं आपको यह बता रहा हूं, अगर मैं 65 की लड़ाई पूछूं, 71 की लड़ाई पूछूं, आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने, मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप कहते हैं कि ये भी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो करा होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हमें देखिए, जब हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात करते हैं ना अर्जुन जी, हम होगा की, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं मुक्ति वाहिनी पे भी आऊंगा, मैं हम होगा की बात नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक्स बात करते हैं, किस डेट को किसने क्या बोला, और वो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट परवेज मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, आपका आर्मी चीफ, आपके प्रेसिडेंट ने ये लिखा है, वो मैं कोट करके आपको बता रहा हूं, और आप कोई भी पाकिस्तानी पढ़ सकता है उनकी किताब। एक छोटी सी बात मैं आपको भी बता दूं, आपने मुशर्रफ साहब की बात की, मैं जनरल एहसान साहब की बात कर लेता हूं, वो भी चीफ रह चुके हैं। उनसे कुछ अर्सा पहले मेरी बात हुई थी, जब लास्ट फरवरी में थोड़ा सा वो मसला चल रहा था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, उसने एक बात की, उसने कहा यार पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में एक बहुत छोटा सा मुल्क है हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी, फौज, रिसोर्सेज, जिस चीज की भी बात कर लो उस पे छोटा है। कहते यार एक छोटा मुल्क मतलब वो कैसे ये कर सकता है कि मतलब एक, एक, एक लेट सपोज आप एसएसजी कमांडो और एक मैं आम सिविलियन, और मैं जाके कहूं कि यार मैं एसएसजी कमांडो को जाके चपेड़ मार लूंगा, पॉसिबल है ह्यूमनली? मतलब वो कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जिसके पास कोई इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतने बड़े मुल्क को ललकार के, और मतलब ऐसे नहीं कभी, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बेशक कोई पागल ही फौज लीड कर रहा हो या कोई बड़ा अकलमंद आदमी लीड कर रहा हो, वो मतलब जाके मैं आपको बताता हूं क्यों है ऐसा। ये सब आप, मैं फिर जो बात बताऊंगा ना, हो सकता है कि वैभव क्या बोलते हैं आपको, क्या गुजरे नाजेबा गुजरे, क्या बोलते हैं उर्दू से, मैं बीच में भूल जाता हूँ वर्ड्स में, मुझे आदत नहीं है इतनी। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों होता है कि एसएसजी कमांडो को कोई सिविलियन चपेट, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटेजिकली कैसे हुआ था ये। देखिए साहब, पाकिस्तान में आर्मी का जो इंपॉर्टेंस है, राइट, अभी भी पाकिस्तान में डिबेट चल रही है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई के बारे में मुझे नहीं बताया गया, नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है, मुझे नहीं बताया गया, फौज कह रही है साहब हमने बताया, लेकिन जनरल अजीज जैसे फौजी हैं जो कहते हैं कि नहीं बताया नवाज शरीफ को, जो एक ब्रीफिंग थी वो उनको मोटा मोटी, वो जनरल अजीज ये कहते हैं कि मैप था, बहुत बड़ा एक मैप था, मैप में उन्होंने कुछ बताया पर उनको समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली जो फौजी मैप है सिविलियन को नहीं समझ में आएगा, वहां पे लाल फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ऐसी टेप से पट्टियां बनी, उनको नहीं समझ में आएगा बेचारे को, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं वो नहीं कह रहा, बट एक चीज है कि ये हुआ। परवेज मुशर्रफ ने, मैं आपको बताता हूं, परवेज मुशर्रफ वही ब्रिगेड कमांडर है जिसके अंडर पाकिस्तान ने सियाचिन इंडिया को खोया था। परवेज मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था पाकिस्तान की सियाचिन ब्रिगेड का, जिसका मुझे यह नहीं पता कि उसका नाम सियाचिन ब्रिगेड क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं सियाचिन में, लेकिन उस ब्रिगेड का नाम अभी भी सियाचिन ब्रिगेड रखा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि फकर साहब, हम ये नहीं कह सकते कि आप सोचिए कि एक आम आदमी एसएससी कमांडो को चपेट मार देगा, वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, और आप और मैं और वैभव या फिर आरजू, हो सकता है हम लोग गलत बोल रहे हों, हो सकता है हम लोग अपने मुल्क के मफाद में, हम लोग हो सकता है झूठ भी बोल रहे हों, हो सकता है मैं ही अपने मुल्क के मफाद में झूठ बोल रहा हूं, मैं ये मानने को तैयार हूं, पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका अयूब खान कुछ लिख रहा है जो कह रहा है मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी था और मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था, याया खान कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट भी था, मैं आर्मी चीफ था, मैं फील्ड मार्शल था और मैं सब कुछ था, और वो लिख के अपनी किताब में दे रहा है, फिर हम उस चीज को बोले कि नहीं साहब ये तो झूठ बोल रहा है और ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तो फिर तो हम, फिर हम कहां पे पहुंचेंगे ऐसे? आपको मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप किसी इंडियन पे भरोसा मत करिए, लेकिन जो आपके मुल्क का प्रेसिडेंट, आपके आर्मी का चीफ रह चुका, उसकी बात पे भरोसा कर लीजिए अगर आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ये सब जो आप लोग दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप लोग जिसको हिंदी में कहते हैं उदाहरण, आप लोग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल न दें, आप बताएं, सोर्स कोट करें कि साहब इस किताब में ये लिखा है, जैसे जाकिर नायक करता है ना, वर्स 24 पेज 3, ये बताओ, आपको वैसे करना है कोट। मुझे ये बताएं ना वैभव जी कि अभी तक आप लोगों ने कश्मीर में ऐसी साल में, मतलब 2020 में जितने लोगों को भी आपने मारा है, आप बकौल आपके के जी टेररिस्ट थे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे मैं तो कहूंगी,
वो जो भी थे वो सबके सब वही के जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे, पाकिस्तान के नहीं थे। तो फिर बार बार पाकिस्तान को ब्लेम करना कि जी पाकिस्तान ये सब कुछ करवा रहा है, ये क्यों आप लोग कहते हैं, जबकि उनके बाप दादा सारा खानदान वहीं पे पैदा हुआ, वहीं रहे और वहीं पे आप लोगों ने मार दिया, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। देखिए इस साल जितने भी लोग मरे उनमें सारे कश्मीरी ही नहीं थे, हमने एलओसी पे बहुत सारे मीरपुरी और पंजाबी भी मारे हैं आपके यहाँ के, और इंशाल्लाह आगे भी मारते रहेंगे। लेकिन देखिए ये चीज आप समझिए कि इस वक्त है मेरे पास, वो अभी मुझे मेजर साहब ने काफी बोला लेकिन है मेरे पास कि अभी तक ये कौन सा इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसकी सोर्स है, और उसमें उन्होंने बताया है कि जितने लोग भी थे वो सबके सब जम्मू एंड कश्मीर के थे। नहीं ये वैभव कुछ और कह रहे हैं, वैभव कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट एलओसी में मारे वो मीरपुर के और मुजफ्फराबाद के थे, जो अंदर मारे वो कश्मीरी थे। तो आप भी गलत नहीं बोल रही, वैभव भी गलत नहीं बोल रहे, आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, वो लोकेशन का फर्क है बस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एलओसी पे जो मारे गए हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ के मीरपुरी और पंजाबी थे, तो खैर वो हम इंशाल्लाह आगे भी मारते रहेंगे। और देखिये जो कश्मीर के अंदर जिन्होंने गन उठाई है उनको भी मारेंगे, क्योंकि देखिए आप ये नहीं कर सकते कि आप स्टेट के अगेंस्ट आप गन उठाएं। देखिए इंडिया में इंडिया का मोटो है अहिंसा परमो धर्म, यानी कि नॉन वायलेंस, ठीक है, सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे बड़ा धर्म है, नॉन वायलेंस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन उसकी जो अगली आधी लाइन है ना वो ये है कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अगर आपको धर्म को यानी कि राइटियसनेस को अगर डिफेंड करना हो तो आप वायलेंस जो है ना वो भी जस्टिफाइड है। तो अगर आपने बंदूक उठा ली, आप नॉन वायलेंट तरीके से आप अबेक शाहीन बाग बना लेते वहां कश्मीर में, किसने रोका था आपको? अगर दिल्ली में किसी ने नहीं रोका, अलीगढ़ में नहीं रोका, बॉम्बे में नहीं रोका, हैदराबाद में नहीं रोका, तो कश्मीर में भी नहीं रोकते। लेकिन आप गन उठाएंगे, आप स्टेट को चैलेंज करेंगे, आप लोगों को मारेंगे, लोकल्स, आप जितने भी ये सो कॉल्ड आपके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने जितने कश्मीरी मारे हैं उतने इंडियन आर्मी ने भी नहीं मारे। आप देखें सरपंचों को, बुरहान वानी का आपका बड़ा हीरो के नाम किससे आपके यहाँ पे ट्रेनें वगैरह चलती हैं, आप ये देखिए कि वहां पे उसने कितने सरपंच मारे थे और कितने लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो ऑफिशियल्स जो काम कर रहे थे उनको मारा था, वो सारे कश्मीरी थे। और ये जो अभी रियाज नायकू मारा, इसने लोकल कितने कश्मीरी मारे थे, कश्मीरी लोगों के घर में घुस करके जबरदस्ती। और आपको अभी ये भी नहीं पता है कि जो लोकल टेररिस्ट है, अगर इनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को लोकल्स देते हैं तो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं बिकॉज वो इनको परेशान करते हैं। इनकी वो बुरहान वानी था, उसकी 5-5 गर्लफ्रेंड थी, उन्हीं गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो मारा गया। अब इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे, ठीक है, आखिर उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, उसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी? उसकी 5 गर्लफ्रेंड थी, एक गर्लफ्रेंड से वो मिलने गया, दूसरी ने फोन कर दिया आर्मी को, उसको मालूम चला। तो ये इस तरह के हरकतें करते हैं ये, और आप इनको बताते हैं कि पता है, आप ऐसे लोगों के नाम पे आप ट्रेनें चलाते हैं। खैर अब आपके यहाँ तो और वो टाइम पे नहीं चलती वो ट्रेनें, मैं अब हाँ एक्सप्रेस, अब मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आप मेरी बात सुन लें। फकर ने एक बात बोली कि 70 साल पहले हिंदुस्तान में, ना देखिये 70 साल पहले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान 10,000 साल पुराना है, ठीक है, पाकिस्तान 70 साल पहले बना है। तो आप इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो फॉल्स इक्विवेलेंस ने ड्रॉ किया करें। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर में ये इस तरह से आपकी आर्मी ऑपरेट करती है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, देखिए हमारे तो आर्मी चीफ ने कभी नहीं बोला कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करी है। आपने सुना है किसी इंडियन आर्मी के ऑफिसर को ये बोलते हुए कि भाई हमारे यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमने नहीं करी? कोई एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर मेजर साहब से आप पूछ लीजिए, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं उन पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, कोर्ट मार्शल्स हुए हैं हमारे यहाँ। आप अपनी आर्मी का एक कोर्ट कीजिए कि हमारे यहाँ पूरे 70-72 साल में एक ऑफिसर को भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ हो, मैं बोल रहा हूँ मैं पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा, मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। एक ऑफिसर का नाम बता दें जिसको ह्यूमन राइट्स के लिए कोर्ट मार्शल किया गया हो, एक ऑफिसर नहीं है सिंगल। और आपके यहाँ पे इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही है, आपके इंसर्जेंसी नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, फाटा और कराची ऑपरेशन हुआ आपके यहाँ पे, एक डॉक्टर को आपके यहाँ पे उठा के ले गई, वो डॉक्टर 5 करोड़ रुपए दिए उसने, वो अमेरिका गया, अमेरिका जाने के बाद उसने उससे मीडिया ने पूछा, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपया दिया गया तब मैं छूटा हूँ, आपको कहाँ रखा गया था? उसने बोला कि मुझे
कोर कमांडर के जो कराची कोर का हेडक्वार्टर है मुझे वहां रखा गया था। अब आप बताइए आपकी मतलब आपकी फौज ह्यूमन राइट वाले तो भत्ताखोरी, आप कहते हैं हमने कराची में भत्ताखोरी, सबसे बड़ी भत्ताखोर तो आपकी फौज है कराची में, फाइव कोर वहां पर। ऐसी बात नहीं है क्या? आप बार बार अगर ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड उसका है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। जो फखर मुसलसल बलूचिस्तान के ऊपर जो है इंडिया से अटैक्स भी हो रहे हैं, बातों की बात कर रही हूँ, और मीडिया में भी पता नहीं किधर किधर से बुला के कौन से बलोची जो है फेक किस्म के बलोची बिठा रहे हैं, कल भी बिठा रखा है, तो वो कह रहे हैं नहीं जी। एक लाइन बोलूंगा मैं, एक लाइन, बलोची नहीं होता है, बलोच होता है, बलोची इज द लैंग्वेज, बलोच इज द एथनिसिटी। ओके थैंक यू, फाइन, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हम पठान बोलते हैं या पश्तून बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं, फाइन, वो कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। आपने बात की बुरहान वानी की, और या तो नहीं बोलते ना पश्तून बोलते हैं, पठान बोलते हैं, पश्तो नहीं बोलते हम पश्तो में पख्तून बोलते हैं, हम जो लोग वर्ड यूज करते हैं पख्तून बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो कोई इशू नहीं है। अगर ये उनको टीवी पे बिठाएं जो वहां पे गड़बड़ फैला रहे हैं, तो ये कहते हैं जी फ्रीडम फाइटर है, हम इनका साथ देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान कश्मीर के लिए बोले या किसी के लिए बोले तो कहते हैं जी आप क्या खुदाई फौजदार बने हुए। अब मैं आइए वैभव से सवाल है मुझसे कि इनसे जी फखर से फिर आपकी तरफ आऊंगी मेरे साहब जी। फखर साहब आप बोले पहले जी। जी जरूर, मैं इन शॉर्ट कर दूं, कश्मीर के अंदर जिस तरह इन्होंने बात की किया बुरहान वानी रियाज नाइकू फला फला फला, भाई वो लोग जो आप उनके ऊपर आप एलिगेशन बिल्कुल लगा सकते हो, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती है, फौज इस्तेमाल करती है, वो पाकिस्तान फौज भी करती है, वो अमेरिकन फोर्सेज भी करती है, और आपकी फौज भी करती है कि हमने किस तरीके, सिर्फ गन से तो कंट्रोल नहीं होता, तो आप मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन लगा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने की मेजर साहब ने कि वहां के लोकल्स उनके बारे में खबर देते हैं, लोकल्स जो मेरी मतलब अभी तक जो मुझे मतलब इंफॉर्मेशन मिली या फिर जो मैंने पढ़ा उसके बारे में, लोकल्स क्यों देते हैं, क्योंकि आपके फोर्सेस के लोग जाके उनको जलील करते हैं, वहां जो लोकल्स रहते हैं उनकी वजह उनसे वो बिल्कुल तंग नहीं है, बुरहान वानी से कोई तंग नहीं था वहां पे, रियाज नाइको से कोई तंग नहीं था वहां पे, या जो दूसरे आदिल भट्ट वगैरह या कोई और है उनसे कोई तंग नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर इस एरिया में, अगर ये मतलब मैं लेट सपोज इस्लामाबाद के मतलब F10 में हूं, तो अगर इस एरिया में होगा तो फोर्सेस वाले आके इस एरिया के लोगों को तंग करेंगे, और वो इसलिए करते हैं कि वो वहां से उनको सपोर्ट ना मिले, लेकिन वो लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो सरवाइव करते हैं और आप लोगों को टफ टाइम देते हैं वहां पे। एक चीज इन्होंने की बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में या फिर मतलब पख्तूनख्वा की इन्होंने बात की, फाटा की ये बात कर रहे हैं जो अब खबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है पिछले 1.5 साल से, वहां पे इस किस्म की ऑपरेशंस वहां पे हुए, क्योंकि हम उसके साथ इतना बड़ा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, मजाक नहीं होता उसको, मतलब अभी फेंसिंग शुरू है, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, उसको कवर करना वो पाकिस्तान फौज कर रही थी वहां पे। अफगान तालिबान, सिर्फ अफगान तालिबान नहीं लड़ रहे थे, और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं वहां पे जो लड़ते आज भी लड़ रहे हैं, जो कल परसों अटैक हुआ था काबुल में, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये अफगान तालिबान ने किया या किसने किया, किसी को कोई पता नहीं, ना अफगान हुकूमत को ना यूएस को, कि कौन कर रहा था और किस तरीके से हुआ ये सारी चीजें। तो वहां पे इंसर्जेंसी थी, नो डाउट अबाउट दैट, उन लोगों को सेटल डाउन किया गया था पिशावर में, मर्दान में, डीआई खान में, मिलियन के हिसाब से वो लोग वहां पे आके सेटल डाउन हुए थे। आप फिर आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, बहुत ज्यादा आप लोग मतलब आजकल आप लोगों ने अपने प्रोपेगेंडा को ज्यादा तेज कर दिया है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप कहते हो कि सिर्फ ये तीन हरबियार बरामदार और जो खान आप कल्लाद के पोते सलमान दाऊद, अगर ये रिप्रेजेंटेटिव है बलूचिस्तान के तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा लोग हैं, बुकसी फैमिली के और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में वो लोग रहते हैं और बड़े मतलब अच्छे तरीके से, मैंगल्स भी है, मरी भी है, जेडी भी है, रईसानी भी है, एक नहीं है, बेशुमार ट्राइब्स वहां पर रहती है, अगर आप कहते हैं कि ये तीन ही रिप्रेजेंटेटिव है तो ये गलत है, बिल्कुल ये गलत चीज है, वहां की रिप्रेजेंटेशन इन लोगों की नहीं है। एक आपने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी बुरहान वानी की, तो जिस अरबियार मरी को आप लोगों ने हीरो बनाया हुआ था वो वहां पे यूके में और वहां पे क्या कर रहा होता है, अपनी फुल टाइम अयाशिया कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो गरीब बलोच है उनको उसने, जिसे कहते हैं ना कि फ्रंट लाइन में जीत तुम्हें हम ये कर देंगे तुम्हें हम वो कर देंगे, कुछ नहीं उन्होंने करना, सिर्फ अपनी सरदारी और अपना जो एजेंडा है उसको प्रमोट करना है, दैट्स इट। जी जी अर्जुन जी, अच्छा पहली बात तो मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ फखर साहब को, इन्होंने कश्मीर के बारे में पूरा बताया, अच्छा जो बताया
ऐसे बताया कि मुझे लगा वहीं पे खड़े होंगे। अच्छा फकर साहब, आप ना वैभव तो गए हैं कश्मीर, काफी घूमे भी हैं 20-25 दिन वहां पे। मैं वहां पे काफी टाइम से, मैं साल दर साल से जाता आ रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होती है, डिटेल में नहीं जाऊंगा बट मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, इसमें कई चीजें होती हैं सर। सिर्फ आप ऐसा नहीं कि फौज से परेशान है या फौज ने किसी को परेशान कर रखा है, तशद्दुद हो रही है, इसलिए ये नहीं होता। उसमें जो भी पाकिस्तानी आर्मी का भी अगर देख रहा होगा ना प्रोग्राम, तो वो भी समझ जाएगा कि वो चाहे मुझे पब्लिकली सपोर्ट करे ना करे, लेकिन उसको पता है कि फौज कैसे करती है, क्योंकि उसकी फौज भी वैसी करती है, अमेरिकन फौज भी वैसी करती है, और सारी फौजें वैसी करती हैं। मोडस ऑपरेंडा सबका एक जैसा होता है। हाँ, कुछ फौज ज्यादा चाबी लगा सकती है, कुछ कम लगाती है, बट बेसिकली इट्स द सेम थिंग। ऐसा होता है जी कि सोर्सेज होते हैं, ठीक है, कुछ सोर्सेज मोटिवेशन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लश्कर या जैश की लड़ाई हुई, आपस में लड़ाई होती है, ISI पैसे देता है, तो ISI उसको पैसे देता है जो इंडियन आर्मी पे ज्यादा अटैक करे या ज्यादा कोई पॉपुलर हो वहां पे, जो ज्यादा रिक्रूट अट्रैक्ट कर सके। तो कैसे आप करेंगे, आपस में एक दूसरे को निपटाते हैं, ये भी सच है। तो जैसे जैश वाले ने लश्कर वाले को मार दिया, ठीक है, उसका भाई बदला लेगा, उसका भाई कैसे बदला ले, अब तंजीम ज्वाइन करके तो बदला नहीं ले सकता, क्योंकि फिर आपस में वहां पे पाकिस्तान में इनकी दोस्ती हो जाती है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं ना, फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना क्या करेंगे कि एक मुखबर बन जाएगा फौज का, कि मेरे भाई को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया फॉर एग्जाम्पल। फिर कोई कुछ करेगा, कोई कहता है कि नहीं साहब मुझे तो पैसा चाहिए। लालची लोग भी होते हैं, हिंदुओं में भी लालची होते हैं, मुसलमान में भी लालची होते हैं, ठीक है। पर मैंने एक बात देखी, आप प्लीज मेरी बात माइंड मत करिएगा, मैंने आज तक किसी को ये बोलते नहीं देखा, मजहब का हवाला देके किसी हिंदू को, कि मैं हिंदू हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं हिंदू हूं, मैंने आज तक नहीं बोला, मैं देखा। पर मैंने काफी मुसलमानों को देखा कि जी मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं झूठ नहीं, वो झूठी बोल रहा है मेरे सामने बैठ के। तो मैं बोल रहा हूं, देखो तो हाँ, तो तुम ऐसी चीजें मत बोला करो जिससे तुम्हारे मजहब का नाम खराब हो, क्योंकि जब मजहब का हवाला देते हो फिर 200% यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट, फिर आप मजहब का हवाला वरना मत दो, ठीक है। बहरहाल तो ऐसा होता है। देखिए दूसरी चीज है कि जो वैभव ने बात बोली ना, मैं उससे थोड़ा सा ऐड कर दूं। एक तो मैं 100% वैभव की बात से अग्री भी करता हूं, और उसके आगे भी मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। देखिए हमारे मुल्क में हथियार उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है आज की तारीख में। ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, क्यों जानते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं भारत की बात करता हूं। जिस दिन, अगर भगवान ना करे, 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे कान पकड़ के, अगर मैंने अपने मुल्क के खिलाफ हथियार उठा लिए तो मेरा बाप मुझे खुद गोली मार देगा। हमारे हिंदुस्तान में कोई स्कोप नहीं है, मुल्क के साथ गद्दारी का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। आप इसको सुनिए, नहीं आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैंने प्रोटेस्ट करा था 2016 में, नरेंद्र मोदी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने प्रोटेस्ट करा था। ORP हमारा वन रैंक वन पेंशन हुआ था, मैंने बताया भी था आपको पिछली बार, मैंने खुद प्रोटेस्ट करा जंतर मंतर में बैठ के, पीसफुल प्रोटेस्ट करा इंडियन आर्मी वेटरन्स ने, पीसफुल प्रोटेस्ट। हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला है हमारा हक है, हम हक की लड़ाई हमारी, चुपचाप बैठे रहे, मोमबत्ती जलाई, हमने प्रोटेस्ट करा वहां पे, हमने किसी को परेशान नहीं करा। पर जिस दिन, एक बात मैं आपको एक और बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, 130 करोड़ लोग हैं कश्मीरी, कितने हैं कश्मीर वैली के, कितने हैं, 70 लाख 80 लाख, कुछ भी नहीं है वो, दे आर लेस देन 1%। आपको क्या लगता है कि लेस देन 1% दुखी है, बाकी सब खुश है? आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में ज्यादती नहीं हो रही? आपको नहीं, बिहार में यूपी में ज्यादती नहीं हो रही? आपको क्या, मैं यूपी में रह रहा हूं इस वक्त, मैं ये वैभव भी यूपी से ही है लाइव, क्या बनारस में या नोएडा में या दिल्ली में ज्यादती नहीं हो रही लोगों के साथ? क्यों नहीं हो रही? हर जगह ज्यादती है, इतने सारे लोग हैं, गरीब के साथ तो हर जगह ज्यादती होती है। पर आपने कभी देखा तमिलनाडु में किसी बंदे ने AK-47 उठा ली, या यूपी में किसी ने RDX फाड़ दिया? ऐसा नहीं होता। आप देखे दोनों, सुनिए, फर्क भी और, है और दोनों के स्टेटस फर्क भी है, उत्तर प्रदेश के और कश्मीर के स्टेटस में फर्क तो है। सर आपको एक बात बताऊं फकर साहब, जितने आप कहते हैं ना कश्मीर में बनते हैं, जितने बंदे कश्मीर में मरते हैं उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में मरते हैं, और आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बोला था, देखिए पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई का ना रिवाज खत्म हो गया। हमें पता है फाटा में क्या हो रहा है, हमें पता है कराची में जो इलेक्शन हुए हैं काउंसिलर के उसमें क्या हो रहा है, हमें पता है लाहौर में क्या हो रहा है, हमें पता है आपकी मेट्रो का जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, जंगला आप जिसको बोलते हैं बस का, वो BRT पेशावर, सारे चाइनीज को नजर रखना बोलते हैं।
नहीं, हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, हम लोगों को इंटरेस्ट है. तो हम जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. हमारे थिंक टैंक्स हैं इंडिया में, और वो फौजियों के थिंक टैंक्स नहीं है. हमारे जो सबसे सक्सेसफुल थिंक टैंक्स है उसमें सिविलियंस बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, हमारे पीएचडीज बैठे हैं. तीस साल से उन्होंने कुछ नहीं करा. वो कह रहा है कि साहब जब इंटरनेट नहीं था सर, तब वो डॉन न्यूज़पेपर और द न्यूज पोस्ट में आता था, वो तब से पढ़ते थे स्क्रैप काट काट के. हम तो, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, इतना सिंपल नहीं है. आप कभी देखिए, सुनिए, आपके जहां पर किसने हथियार उठा लिया. लोग कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं नागालैंड, नागालैंड का मसला ही अलग है, वो अलहदा मसला है. नागालैंड हिंदुस्तान से थोड़ा ना अलग होना चाहता है. जो नक्सली है, जो रेड कॉरिडोर में जो खून खराबा कर रहे हैं, उनका मसला अलग है. उनका इंडिया का मसला नहीं है, उनका मसला नेचुरल रिसोर्सेज का मसला है. तो हर चीज को कंफ्यूज ना करें यार. और हिंदुस्तान देखिए मेजर साहब, इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में भी लोगों के हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकते हैं. आप कह रहे हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं या मारे जाते हैं, हो सकता है. मैं ये नहीं कहता हमारे कराची सबसे ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कश्मीर से ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं कह रहा हूँ जी. लेकिन लेकिन देखे ना, जैसे वैभव जी, अब आपको जो जिसमें इंटरेस्ट होगा, तो जाहिर अगर किसी को इंडिया में इंटरेस्ट है या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्ट होगा तो वो पढ़ेगा, वो देखेगा भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि किसी को साइंस में इंटरेस्ट है या मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में है तो वो जाके इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ना शुरू कर देगा. अर्जुन जी एक चीज बोलूं बिफोर वैभव आंसर्स, वैभव के आंसर करने से पहले एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा विद योर परमिशन. मैम, जब हम आर्मी में ब्रीफिंग देते हैं ना सीनियर ऑफिसर के सामने, इंडियन आर्मी में, एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी आर्मी में भी ऐसी होगा, अगर कोई पाकिस्तानी अफसर देख रहा है तो बता सकता है मैं, उनके यहाँ होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ ऐसा होता है. जो पहली चीज हम ब्रीफिंग में देते हैं, फर्स्ट थिंग इन आवर ब्रीफिंग इज कॉल्ड खबर दुश्मन की. खबर दुश्मन की, उसके बाद बोलते हैं हम खबर अपनी, इंफॉर्मेशन. आपको आपको जब तक पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होगा, आप आपके शादियों में गाने कौन से बजते हैं, आपकी मेहंदी की रस्म कैसी होती है, आपके वलीमे में क्या आपके कल्चर है, आप लोग नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना. मैं सिर्फ नहीं कि फौज का आपका 5 कोर कराची में और आपका 10 कोर कहीं पे, वो तो एक 0.1% है. आपके इलेक्शन में आपके पीपीपी और नून लीग के बीच में लड़ाई का मसला क्या है. आप जब पाकिस्तान को घुस के उसके रेशे रेशे में घुस के आप स्टडी करेंगे तब आपको एक क्लियर फैब्रिक. मैं एक बात बताता हूँ, जो डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो वैभव बनाते हैं, ठीक है, वो क्यों पॉपुलर हो रहे हैं इतने इंडिया में, इसलिए नहीं कि हम उठ के पाकिस्तान को गाली देना, तो या इंडिया को गाली देना, तो कोई भी अपना पाकिस्तान या इंडिया में यूट्यूब चैनल बनाया दिन भर गाली दो. जो एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस जिसको हम ऑसेंट बोलते हैं ना, जिसको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी बोलते हैं हम लोग, कि ओपन सोर्स में आपको बहुत कुछ मिलता है, उसका एनालिसिस क्या होता है, तो वो पढ़ने लिखने का. तो हम जो कहते हैं ना कि आप लोग कहते हैं, जैसे फकर साहब ने अभी बोला कि साहब कश्मीर में तो फ्रीडम स्ट्रगल है, आप मानते हैं, आप मुबारक है आपको, मैं आपको मना नहीं करूंगा. अगर आप कहते हैं कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है साहब, आप मानते हैं तो ठीक है. बलूचिस्तान में भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, आप भी मान लें. नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फर्क नहीं हो रहा बलूचिस्तान में. चलिए कोई बात नहीं, मेरे वहां की बिल्कुल मैं डिनाई नहीं, मैं फाटा की इंसर्जेंसी को मैंने डिनाई नहीं किया. वहां पे ऑपरेशन हुए, बिल्कुल हुए, 15 साल इंसर्जेंसी वहां पे रही है. बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पहले बहुत ज्यादा थी, अब कम हुई है. अब मैंने कहा कि पहले अगर बलूचिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट में थी तो अब 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में रह गई. ये वो होती है, उसको मैं अगर डिनाई कर भी लूंगा. अच्छा, मतलब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और जो पाकिस्तानी भाई बहन हमें देख रहे हैं वो भी, वैभव आप हंसना मत इस सवाल में, मुझे पता है वैभव की ना हंसी छूटने वाली है थोड़ी देर में. आपके कितने पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल हैं जो कि लंदन में, दुबई में, ब्रसल्स में, न्यूयॉर्क में कंसल्टेंसीज के लिए काम करते हैं, 20-25 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे, मतलब आप उनको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउंड्स में, दिरहम में, और वो कंसल्टेंसीज कौन कौन सी इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस की हैं, कौन से बड़े इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिन्होंने अलग नाम से कंसल्टेंसीज खोल रखी हैं दुबई में, और पाकिस्तानी कोर कमांडर्स को और जनरल्स को उन्होंने एज कंसल्टेंट रख रखा है. आप, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, आप जरा पता लगाइएगा. आपको दुबई में दो जनरल्स हैं,
तो भाई मैं जो जनरल था, एक की मूछ नहीं है, एक की मूछ है, एक की मूछ ऐसी नीची है, एक की मूछ नहीं है, दो जनरल्स हैं। वो जनरल साहब से कहना, साहब आप जब बुर्ज खलीफा से गुजरते हैं, सामने से लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बुर्ज पड़ता है, जब आप जाते हैं साहब, आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, हफ्ते में दो बार जाते हैं आप सब, तो कंसल्टेंसी पूछना कि है किसकी, वो किसकी है, वो उनको जो 20 लाख रुपए मिलते हैं महीने के, कौन देता है वो? मैं बता दूं हमारे यहाँ कल का उसका आर्टिकल लाया था हामिद मीर साहब का, उसने मिर्जाफर के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, वो आप इसको नहीं डिनाई कर सकते। अगर मैं कहूंगा कि नहीं जी पाकिस्तान के जर्नल या कोई ऐसे, मतलब अभी एक को जो ब्रिगेडियर था, अभी उसको 2 महीने पहले उसको फांसी लटकाई थी, तो इस तरह की चीजों पर ये हम डिनाई नहीं कर सकते। आपके यहाँ भी ऐसे लोग होंगे, अगर हमारी ISI है या कोई और एजेंसीज भी, आप कोई और एजेंसी भी दुनिया की जरूरी नहीं जिसका इंडिया में इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, तो वो करते होंगे, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, पैसे लगाते हैं, इसलिए तो बिलियन ऑफ रुपीज या बिलियन ऑफ डॉलर में उनके बजट होते हैं, इस तरह की चीजों पे वो लगाया जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब मैं कहूंगा कि आप दो जर्नल जो दुबई में इंडिया कंसल्टेंट, इंडिया के लिए कंसल्टेंट है या कहीं और के लिए, ये मेरा ख्याल होता रहता है। चाइना और इंडिया के दरमियान जी फकर साहब एक छोटा सा जवाब, चाहे वो इंडिया का जनरल हो चाहे पाकिस्तान का जनरल हो, ठीक है, जनरल कोई भी हो, कोई कंसल्टेंसी उनको क्यों हायर करेगी? क्या नॉलेज है किसी जनरल के बारे में? स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल, आर्मी के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल, यही तो नॉलेज है उनकी, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही सोच, हाँ बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए कि किसी भी जनरल को अगर आप 15-20 लाख रुपए दे रहे हैं और दुबई में एक 50 माले की बिल्डिंग में 17th फ्लोर पे जनरल साहब का 5 बेडरूम का पेंट हाउस है जो कि उसकी कंपनी ने दिया, तो जनरल साहब ये तो सोचे कि मुझे पाल क्यों रहे हैं ये लोग, मेरे पास मेरे, ये पता है क्या चक्कर मुझे ना, मैं बताता हूँ छोटी सी, आप हंसिएगा मत, अर्जुन जी हंसिएगा मत फकर साहब, एक हंसिएगा मत फकर साहब, हंसिएगा मत, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ना, मुझे ना काफी फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती है, राइट, तो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की होगी जिसकी फेसबुक पे उसकी पूरी खूबसूरत सी फोटोज लगी होंगी, और उसने की मेजर आई एम अ बिग फैन एंड When I come to Delhi, meet me for a cup of coffee. तो मैं उस लड़की की शक्ल देखता हूँ, ठीक है, ध्यान से उसकी फोटो पे क्लिक करके, फिर मैं शीशे में जाके अपनी शक्ल देखता हूँ और मैं अपने आप से बोलता हूँ कि भाई तू 48 साल का बंदा है, ठीक है, अपनी शक्ल देख, मैं खुद को बोलता हूँ यार अपनी शक्ल देख, और फिर मैं कहता हूँ कि यार ना। तो यही चीज जनरल्स को भी करनी चाहिए कि क्यों 25 लाख कोई दे रहा है? अच्छा मैम, इनको जैसे पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में जो बोलते हैं इनको कख नहीं पता, बस अपने आपने बोला कि जनरल साहब आपने ऊपर बात कर दी, जनरल साहब बिल्कुल घोड़े पर बैठ गए कि बस भाई अब मैं घोड़े पर सवार हो गया, हाथ पे तलवार लेके, और यहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेट्स आप बताइए किसके काम किसके, बिजनेस इंटरेस्ट किसके, मिडिल आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे जनरल्स तो ऐसे भी हैं जो मतलब मैं इस्लामाबाद क्योंकि DHA हमारे बिल्कुल करीब बनता है तो जिनको मैं जानता हूँ, यकीन बिलीव मी, मतलब हमारे पाकिस्तान आर्मी से वो रिटायर्ड जनरल्स हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मुझे हंसी आती है, मैं कह यार इन जनरल से तो मैं सिविलियन भी ठीक हूँ, मतलब कि मैं इन्होंने इतना साल पढ़ा, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग की, कभी US में कभी कहाँ, वो मतलब वो चीजें हैं कि वो ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि वो मतलब बिल्कुल ही फारिग हैं, कुछ ऐसे टॉप के जनरल हैं कि वो मतलब जिसे कहते हैं कि आप 25 लाख रुपए की बात करें, 25 लाख डॉलर में भी आप उसको नहीं वो खरीद सकते। एक और छोटी सी चीज मैं ये कह दूं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ये भी तो हो सकता है कोई इंडियन को मामू बना रहे हो, ये भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो वही चीज दे रहे हो, आप लोग समझ रहे बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं, हो सकता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को मामू बना दें, हो सकता है, ठीक है, आप इंडियन बिजनेसमैन को मामू नहीं बना सकते, वो जो कर रहे होते हैं हम तो सर फकर साहब गल्ले पे बैठे लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं ये इंडियन, मैं बता रहा हूँ इंडियन का पैसे में जो दिमाग चलता है ना, ये बेचकर खा जाए दुनिया को, इतने शार्प हैं, मतलब बेच के खा जाए, आई डोंट मीन इट इन द नेगेटिव सेंस, दीज पीपल आर वेरी वेरी शार्प, वेरी शार्प। अच्छा एक और चीज ना कि ये जो पूरा खैर आप सॉरी मैं माफी चाहूंगा, आप वैभव से बात कर रहे थे, आप वैभव से आंसर दीजिए फिर मैं उसके बाद में। जी 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 प्लीज वैभव जी आप बताइए ना कि अगर कोई जैसे मेजर साहब कहते हैं जी भारत के खिलाफ अगर कोई हथियार उठाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तो आपको लगता है कि बलोच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए और हम बैठे देखते रहे? ना देखें आप और आप देखते भी नहीं रहे कभी, आपने नहीं तो आपने जो सपोर्ट
करते हैं, आप लोगों का क्या लेना देखिए, मैं आपको मैं अगर अगर आप उनको मार रहे हैं तो हम आपका हाथ पकड़ने तो नहीं जा रहे ना, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम जेनेवा जाएंगे, हम यूएस जाएंगे, हम अरब कंट्रीज को जगाएंगे और ये तशद्दुद हो रहा है और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही, मतलब इंडिया से तो कभी इस तरह की आवाजें नहीं उठी ना। तो आप मतलब आपको हमने कभी मना नहीं किया कि आप भाई आपको जो एक्शन लेना आप ले, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो कश्मीर के लिए जो वो जी वो हमारा इंटरनल मैटर है ना, और ये कश्मीर वाला इशू जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है, वो ये फर्क है। और 5 अगस्त 2019 के बाद तो 100% हमारा इंटरनल मैटर हो गया। और सुनिए फकर साहब, एक मैं बात बताऊं आपको, मैं वैभव माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूं, एक तो मेरी आदत हो गई बड़ी बीच में बोलने की, तो मैं दूसरी बार इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। फकर साहब मैं एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर का मसला क्योंकि यूएन का मसला है, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट हमारी पार्लियामेंट का ये फैसला है और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फैसला है, ये है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएन में आग लग जाए, अमेरिका में आग लग जाए, हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान को ठीक लगता है, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएन कहे, यूएस कहे, इंग्लैंड, अब वो लेबर पार्टी है भैया, आपकी यूके की लेबर पार्टी कहती है कि हम कश्मीर के बारे में हम राय रखते हैं। लेबर पार्टी कितनी है, उससे ज्यादा एमपी तो हमारे 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, ये कौन सी लेबर पार्टी है जिसकी कश्मीर पर राय है, कितने पैसे हैं लेबर पार्टी के पास। ये पॉइंट मैं आपसे इसलिए मैं फुली डिसएग्री कर रहा हूं कि जो भी लोग मतलब आपका आपके यहां मैं जो चीजें पढ़ता हूं, तो वो जो भी इवन मोदी जी ने अभी कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट की थी मुसलमानों के हवाले से कि भाई अगर ये कोरोना के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये हो सकती है एक पेंडेमिक है, किसी की वजह से भी हो सकती है। किसी ने ये नहीं, तो भाई साहब किसी ने ये नहीं बोला कि मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है, हम कह रहे हैं कि तबलीगी जमात रिस्पॉन्सिबल है, नॉट मुसलमान। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जब थोड़ा सा उनको लगा कि यार ये चीज खराब हो रही, तो उसने मतलब स्टेट फॉरवर्ड अपने लोगों को कहा कि भाई आप इस तरह ना करें, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है किसी की वजह से, मुसलमान थे ना हिंदू थे, उनकी वजह से मतलब पूरी दुनिया में चाइना, तो उन्होंने उनको जो गालियां पड़ी। जी जी प्लीज प्लीज ना हो जाए, मेरी बात सुन लें कि पहली बात तो कभी कभी आप बुरहान मनी के प्रेस सेक्रेटरी बन जाते हैं, कभी आप यू नो हरवियार मरी का बता देते हैं वो क्या याशिया कर रहा है लंदन में, आप उसके भी बूट लेकर बन जाते हैं, फिर आप कभी आप बताने लगते हैं कि मोदी ने क्या करा तो क्यों करा। देखिए आप अपना ओपिनियन रखें, आप ये ना बताएं कि उन्होंने क्यों करा, मोदी ने क्या क्यों करा, ये सिर्फ मोदी को पता है। ये जो अपने आप को बड़े बड़े जगाधरी बनते थे ना मीडिया में, इंडियन मीडिया में, जिनको बड़ी यू नो जराए के जरिए उनको बड़ी खबरें मिलती थी यूरोप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और यहां वहां से, उनको भी भनक नहीं लगती कि कब क्या डिसीजन ले लेता है। डिमोनेटाइजेशन हो गया, किसी को पता भी नहीं था, उसके अपनी कैबिनेट के लोगों को नहीं पता था। तो मोदी क्या किया, क्यों किया, उसके ऊपर अगर फखर यूसुफजई को पता है ये, तो मतलब कोई भी नहीं मानेगा। और मेरी एक बात सुन ले, जो इन्होंने सवाल पूछा कि बलोचिस्तान में बलोचों को हम अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं। देखिए बलोचों का जो मसला है, बलोच हमारे भाई हैं, हमारा उनसे रिलेशन 5,000 साल पुराना है, ठीक है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप उनको सपोर्ट करें या ना करें, वो आपका मसला है। लेकिन ये चीज आप डिसाइड कर लें। आवाज सही नहीं आ रही, ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत है वैभव। हाँ मैं थोड़ा सा, अगर उनको हमारी आवाज आ रही, तो मैंने ये बात नहीं की कि कोई आप लोग के कैबिनेट के अंदर चला गया था हिंदुस्तान के, मैंने कहा कि उनकी ट्वीट थी उसके ऊपर फिर स्टोरी आई थी, मैं वो पढ़ के मैं वो बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल उस चीज की मुझे वो नहीं है। दूसरी बात आपने की कि मैंने हरबियार मरी और बुरहान वानी, बात वो हो रही है कि जब वो डिस्कशन में आएगी तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपने बात करनी है, हरबियार मरी क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ उसने आवाज उठाई है, हमारे मुल्क के खिलाफ वो लड़ेगा, तो लाजमी सी बात है उसके ऊपर हमने बात करनी है। अगर बुरहान वानी जो है उसको हम एक जिसे कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर है कश्मीर का, कश्मीरी लोगों का वो हीरो है, उनके लिए वो लड़ रहा है, तो यकीनन हम उसको कहेंगे कि वो जो है मतलब पाकिस्तान जिस तरीके से बात करता है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर एक पुराना इशू है, तो वो हमने करनी है वो बात। लेकिन मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दोनों को बता दूं, मेरे साहब को भी और गौरव भाई आपको भी, कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि दुनिया में कोई भी अगर
इंडिया के खिलाफ कोई बात करता है, जिस तरह लेबर पार्टी की आपने बात की, आपने वो अरंधता रॉय गालमन उनकी बात की, या फिर अशोक है, या फिर वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती है राणा अयूब, मतलब इस तरीके से आप समझ, आप पता है क्या, उस दिन वो प्रिंसेस की भी आपने बात की कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर उनकी हैसियत नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ भी उनकी हैसियत नहीं है, वो जीरो बटा जीरो है, फिर आप क्या उनके ऊपर डिस्कशन क्यों होती है उन लोगों के ऊपर? इसका मतलब है देखिए 130 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ पे 150 से ज्यादा चैनल है, 24 घंटे का चैनल चलाना है, हमको टॉपिक चाहिए, हम तो इधर कल को अगर आप कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे या कोई ना कोई मीडिया हाउस कर लेगा। और वो उसके ऊपर किसने डिस्कशन किया? क्या उसके ऊपर नेशनल मीडिया ने डिस्कशन किया? क्या उसके ऊपर किसी और ने डिस्कशन? नहीं, उसके ऊपर जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन्होंने डिस्कशन किया, करें, वो तो दुनिया भर की चीजों पर डिस्कशन करते हैं। और देखिए मैं जो जवाब दे रहा था, जो सवाल था बलोचों का, मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि बलोच हमारे भाई हैं, 5000 साल से हमारे भाई हैं, वो हमारा उनके साथ तारीखी रिश्ता है, हम उनके साथ पहले भी थे, हम उनके साथ आज भी थे। आपके यहाँ से हमेशा ये आवाज उठती भाई अफगानिस्तान से हिंदुस्तान का क्या लेना देना है, बलोचिस्तान से का, भाई ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, इनसे हमारे रिश्ते जो है जब पाकिस्तान जब से बना है ना उससे 10 गुना ज्यादा पुराने हमारे उससे ताल्लुकात है, प्री इस्लामिक टाइम से है, प्री इस्लामिक टाइम से भाई। और ये, और हम आपको ये भी बता देते हैं कि बलोचिस्तान में जो जो गलतियां आपने की हैं, जो मास ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, जो मास ग्रेव्स निकली हैं, जो उनके जो वहां पे रेप सेल चला रही है आपकी फौज, हम आपको बता रहे हैं कि ये अगर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अगर नहीं सपोर्ट करती है तो सबसे पहला इंसान मैं हूँ और मेजर साहब होंगे जो जाकर के सबसे पहले इस बात पे धरना देंगे कि आप बलोचों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज बलोचों का सपोर्ट करना इंडिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर इंडिया उनका सपोर्ट नहीं करता है तो इससे ज्यादा मतलब दुख की बात हिंदुस्तानी कौम के लिए कोई और दूसरी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो कोई कौम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी एक कौम है, क्योंकि हमारी तारीख 10,000 साल पुरानी है, 10,000 साल से एक साथ रह रहे हैं, हमने बलोचों के साथ खड़ा होना है, हम खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। इंशा भगवान बोलो हमें पाकिस्तान 72 क्यों बना वो आपको पता है कि मतलब नहीं रहना चाहते थे लोग आप लोगों के साथ इकट्ठे, इसलिए बन गया जिन्ना ने पाकिस्तान बना के दिया। और मेरा कहा मतलब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं फकर यूसुफ भाई साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो वैभव हम लोग अभी से हम लोग अपना एक टर्म करते इंशा भगवान, हम एक नया वाला लगाते हैं, ठीक है काफिर बॉयज यूट्यूब चैनल पे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपके ना जो मिसाइल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको, आपकी जो मिसाइल्स है ना पाकिस्तान में, मैं इसका रीजन जानना चाहता हूँ। जैसे कि गजनवी हैं, आप कहते हैं काफिर नहीं है, काफिर और इसमें फर्क है, आप लोगों के रिलीजन है काफिर की कोई और, वो है आपने पढ़ा ही होगा। हमें वर्ड काफिर बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो हूँ काफिर, मुझे तो अच्छा ही लगता है ये। और वैभव सिर्फ काफिर नहीं, वैभव तो रॉ का एजेंट भी है, मैं कह रहा हूँ आज तो रॉ का एजेंट वैभव। अच्छा सुनिए तो साहब, बेसिकली क्या है कि बेसिकली मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपकी जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी गजनवी है और आपकी और भी मिसाइल्स हैं आपकी, तो ये जो ये हतफ है और भी है, पर ये जो इन्वेडर्स के नाम पे मिसाइल्स है ना, ये जो इन्वेडर आए थे तब इस्लाम इंडिया में आ चुका था। और अगर आप हिस्ट्री जाके देखें, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, जैसे आपकी एक मिसाइल है गौरी, आपकी एक मिसाइल है गजनवी, इन लोगों ने आपके जो अभी पाकिस्तान है, अभी आज का पाकिस्तान है, उसके पंजाब के एरिया में आकर हिंदू और मुसलमान दोनों को काटा, मुसलमानों को भी भर भर के काटा, क्योंकि ये लुटेरे टाइप के थे, ये तो आए और चले गए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपके बाप दादाओं को, आपके पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स को मारा, उनके नाम पे आपने मिसाइल क्यों रख दी, ये मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, ये जो आप जिस मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने मारकाट की, ऐसा कोई नहीं था। जंगे हुई इस रीजन में, पूरे रीजन में, हिंदुस्तान का जो पूरा रीजन जो पार्टीशन से पहले था, इस रीजन में बहुत ज्यादा जंगे हुई, और ये मतलब जिसे कहते हैं कि छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी, कोई एक मुल्क तो था नहीं, मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह फकर साहब मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूँ, महमूद गजनवी जो है
एक जगह है अफगानिस्तान में गजनी, गजनी बिल्कुल तो गजनी से आया था इसलिए उसको गजनवी बोलते थे। तो वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, ये भी मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो आया था, अच्छा वो आया था वहीं से क्योंकि उसका नाम गजनी है ना, तो गजनी से ही आया होगा। तो अब नहीं साहब, उसका नाम, उसका उसका नाम महमूद ऑफ लखनऊ तो था नहीं कि जो मेरे जगह से आया हो, हम तो कह सकते हैं महमूद ऑफ गजनवी तो गजनवी था, मान के चलते हैं साहब। अब वो आ गया यहाँ पे और वो आया पंजाब के थ्रू, अहमद शाह अब्दाली, आपकी मिसाइल है अब्दाली, बिल्कुल है, खाता पीता लायदा बाकी अहमद शायदा, ये भी पंजाबी में बड़ी ना बड़ी एक कहावत है कि जो आपने खा लिया वो आपका, बाकी सब अहमद शाह का। ये पंजाबी में क्यों है ये कहावतें, ये पंजाबी में और आपके पाकिस्तान में बड़ी बोली जाती हैं, ये इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि जो अभी का एरिया है पाकिस्तान के, खासतौर से पंजाब का एरिया, पंजाब का एरिया जो आपका खैबर पख्तूनख्वा ये सब एरिया था, ये आज भी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पहले भी स्पार्सली पॉपुलेटेड था, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, आपके पंजाब में भरे पड़े हैं लोग, ये लोग आते थे पंजाब, दैट वॉज द गेटवे टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। अब मेरा ये कहना है कि आप क्या खुद कहते हैं कि खाता पीता लायदा बाकी अहमद शायदा, तो मेरा ये कहने का मतलब यह है कि आप लोग खुद जानते हैं कि वो सब लूट के ले गया, सब मार काट के ले गया आपके यहां, मतलब पाकिस्तानी पंजाब में उनके जो बर्बरता है, उनकी जो जहालत है, जो उनकी जिसको कहते हैं कि बड़े जो मारकाट मचाते थे, लूट मचाते थे, रेप करते थे औरतों का, उनके बारे में कहानियां हैं, उनके बारे में कहावतें हैं, जिसका एक का मैंने नाम अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इसके बाद भी आप लोग उन लुटेरों का जिसने मुसलमानों को, हिंदू हिंद, मैं और वैभव तो खैर वैसे भी हम दोनों वाजिबुल कत्ल हैं तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे सबके सब, मैं कह रहा हूं जिसने मुसलमानों को मारा, जिसने मुसलमानों को मारा, आपने उनके नाम पे अपनी मिसाइलें रख दी, ऐसा क्यों करा आपने? और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर चुकी है इस बात पे कि आप बाबर और नबी के नाम पे आप क्यों मिसाइलें के नाम रख रहे हैं, फॉर्मल प्रोटेस्ट करा है, फॉर्मल प्रोटेस्ट अफगानिस्तान की सरकार ने बोला कि बंदे हमारे थे, आपने मिसाइल का नाम रख लिया। मुझे एक चीज बताएं, मैं एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? जी 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 मैडम, ये कि जब से मतलब फेसबुक ज्वाइन किया है मैंने, मेरे ख्याल 10-11 साल हो गए फेसबुक पे, तो शुरू में क्योंकि आपको जैसे पता ही आप लोगों को तो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडिया से यहाँ पे आए थे, तो हमेशा से क्योंकि जर्नलिस्ट भी थे तो बातें होती रहती थी घर में इंडिया की भी, और जैसे एक जर्नलिज्म आपको पता है कि माहौल होता है तो सुनते रहते थे, तो मुझे तो अपने आप ही मैं कहूँगी कि मुझे इंटरेस्ट है कि हाँ मैं इंडियंस के साथ में बात करती हूँ और एक जैसे कहते हैं कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ हमेशा से है, स्टूडेंट लाइफ से है। तो फेसबुक पे भी जब फेसबुक ज्वाइन किया तो काफ़ी सारे इंडियंस ने भी मेरे साथ फेसबुक पे ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने जो मीडिया से भी थे और उस वक्त ज़ाहिर है मैं भी स्टूडेंट थी वो भी स्टूडेंट थे, तो इस तरह से उनमें एक मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन ये कि वो बेचारे को उठा के आप लोग ले जाएंगे, तो वो जो है वो मुस्लिम है और मीडिया से है, वो मुझे अभी तक मुझे उनका एक चीज की समझ नहीं आती, वो मुझे बुलाते हैं कि जी आप इंडिया आइए, ठीक है जैसे घूमने फिरने आते हैं इंडिया आप आइए और आप बड़े उससे वो कहेंगे आप हमारे मेहमान बनिए हमारे घर रहिए, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मिनी पाकिस्तान में रह रही हैं, आपकी इतनी हिफाजत होगी। तो मुझे मैंने ये बात अपने एक दो दोस्तों से कही, मीडिया के कुलीग से भी कही कि भाई उन्होंने मुझे इस तरह कहा मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे इंडिया जाके ये महसूस करने की क्या जरूरत है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, वो मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि आपको इतना सिक्योर फील होगा कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारा इलाका जो है जहाँ वो रहते हैं उन्होंने कहा पूरा सब मुस्लिम्स है, और मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, यहाँ पे लोगों को कुलभूषण नहीं बनाया जाता जी। खैर मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ, एक मिनट। दो बातें हैं, पहली बात तो ये गजनवी और गौरी और इन सब की बात आप खा गई, कोई बात नहीं, वो जो देख रहा है वो खुद ही ढूंढ लेना इंटरनेट पे। आपने बोला ना कि इंडिया में उसने बोला कि मिनी पाकिस्तान है, आपके सवाल में ही जवाब है, ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं, कौन लोग हैं?
और अगर ये हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, हिंदुस्तान में क्यों है ये? नहीं, वो तारीफ बहुत करते हैं हिंदुस्तान की, लेकिन वो मुझे ये कहते हैं कि जैसे तारीफ ना बनाए, तब वो तारीफ ना करें। सुने, मेरे इंडियन फ्रेंड्स देखिए, सुने सर एक सेकंड, वो इंडियन फ्रेंड्स में वाहिद वो साहब हैं जो मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे और दो मिनट के बाद उसको डिलीट मार देंगे। मैंने कहा ये डिलीट क्यों कर देते हैं ना, तो मैंने बल्कि फखर को भी बताया था, मैंने कहा ये डिलीट क्यों कर देता है, कहता है शायद वो बेचारा डर रहा होगा कि मैं किसी पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ, ये लोग पकड़ के ना ले जाते हो वहाँ पे जो की आर्मी या पुलिस। आप कभी इंडियन टीवी देखें, आप अगर कभी इंडियन टीवी देखें, मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स आके, और वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, वो उसमें मेरा और वैभव का कोई लेना देना नहीं है, ना नरेंद्र मोदी का लेना देना है, ना इंडियन आर्मी का लेना देना है। हर डिबेट पे आप अर्नब की डिबेट देख लीजिए ना, बाकी सब डिबेट छोड़िए, आप अर्नब की डिबेट देख लीजिए, खुल के बोलते हैं चढ़ चढ़ के। कश्मीर से आप लोग कहते हैं कश्मीर में तशद्दुद है, ये इतने बड़े बड़े वर्ड उर्दू के बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आते। आप लोग इतनी लंबी स्टोरी सुनाते हैं, कश्मीर में बैठे कश्मीरी मुस्लिम हर शाम को 9 बजे गाली दे रहा है हमारी आर्मी को, फिर आप कहते हैं फ्रीडम नहीं है। सुनिए, आपके पेड हो और वो आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं अपना, जैसे कहना चाहिए टीआरपी के लिए, किसी चीज के लिए भी, तो वो तो ये भी हो सकता है, वो आपके अपने लोग हो तो ये भी सकता है कि उसका नाम कुलभूषण जाधव हो, पर ऐसा है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, हम आप ये कह रही है आरजू जी की हम एक कश्मीरी मुस्लिम को पैसा देते हैं और ये बोलते हैं कि भाई ये ले लाखों रुपए महीना और तू आ और हमें गाली दे, क्योंकि तेरे मुंह से हमें गाली सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ये यू नो, अगर हम किसी को पैसा देंगे ना तो हम उससे ये बोलेंगे कि तुम ये बोलो कश्मीर में सब ठीक है। हम इसलिए देंगे पैसा, हम इसलिए नहीं देंगे कि हर रात तुम आके यहां पर वो करो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सब बात मैंने आपकी बताई, अब आप जरा मिसाइल की बात करिए, जरा वो अब्दाली वब्दाली जो भी थे वो, ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग वो मुसलमानों के हीरोज हैं, बैठ के बातें करने के लिए, जैसे आपको हाँ। सरफराज बुक्ति का वीडियो बनाने के लिए इन्होंने दिया होगा ना कि मेजर गौरव हाँ। राजा को बताओ कि मैंने तुमको बलोच जो है वो सारे बड़े खुश है, तो इनको लगता है कि जैसे हमारे यहाँ चलता है ना वैसे हिंदुस्तान में भी चलता है सब कुछ। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि मुसलमान हीरो हैं, कह रहे हैं फखर साहब, कह रहे हैं मुसलमान हीरो हैं। तो भाई पहले जंग हुआ था ना, सर अगर सर एक बात बताइए, मैं फखर साहब एक सवाल पूछता हूँ फिर आपसे, और मैं ये चाहूंगा आरजू आप पूरा का पूरा, चाहे डेढ़ घंटे का हो ना, आप ये डेढ़ घंटे का सेगमेंट विदाउट एडिटिंग आप डाल दो उसके अंदर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप एक बात बताइए कि एक तो मैंने बोला कि उन्होंने मुसलमानों को भी मारा, ये बात फैक्ट है, क्योंकि आप ही लोगों के पंजाब में उनके खिलाफ कहावतें हैं, ये मैंने नहीं बनाई, ये पाकिस्तानी पंजाब में चलती है, बहरहाल इनको छोड़ दें, मेरी बात छोड़ दें। आपके हीरो सबके सब ऐसे क्यों हैं, लुटेरे, कातिल, घोड़े पे बैठ के तलवार उतारने वाले? आपके कोई अच्छे हीरो क्यों नहीं है? इसको नहीं, मार दिया, उसको काट दिया। आप देखिए, उमर शरीफ है आपका कॉमेडियन है बहुत बड़ा, मैं उमर शरीफ का एक जमाने में हमारे सर, मैं इनके इनके हीरो जो एक हीरो था जो नोबेल प्राइज विनर था, उसको भी इन्होंने जो मुल्क बदर कर दिया और उसको कभी पाकिस्तान आने नहीं दिया। अहमदी था, उसका गुनाह ये था कि वो अहमदी था, और एक दूसरी मलाला थी, वो उसको नोबेल प्राइज मिला, तो उसको भी इन्होंने मार के छुट्टे मार के निकाल दिया, उसको बता दिया सारे एजेंट जी। अच्छा एक मिनट फखर साहब, फिर मेरा सवाल रुक जाएगा बीच में ना। देखिए आप एक बात बताइए कि आपने बोला हीरो हैं, राइट, ये आपके हीरो ऐसे क्यों हैं खून के प्यासे? ये आपके जो वो है ना, क्या नाम कहते हैं ये, अब्दुल सलाम, क्या नाम कहता, नहीं अब्दुल सलाम नहीं, वो बंदा यार कॉमेडियन, उमर शरीफ। तो साहब मैं तो बचपन में मैंने उनके बड़े वीडियो देखे थे, वो बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे, और ये सब बड़े फनी लगे, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। एक दिन ना मुझे बड़ी मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, तो एक बार क्या हुआ कि वर्ल्ड कप में खबर आई कुछ साल पहले कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हार गया इंडिया से, तो वो शाम को प्रोग्राम कर रहे हैं अपना, और वो कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मतलब तुम फिक्र मत करो, और जो अपना जो जज्बा है, जज्बा कम नहीं होने देना, राइट। और फिर उसने बोला कि आप बताओ वो जो गजनवी है उसने कितनी बार सोमनाथ पे अटैक करा था? 17 बार अटैक करा था, 18वीं बार उसको सक्सेस मिला, तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मतलब मुझे इतना बुरा लगा कि इतनी कैजुअल
रेसिज्म जिसको कहते हैं ना कैजुअल, आपने आपने कुछ बोल दिया, जैसे आप लोगों की बड़ा फेमस है हिंदू बनिया, अब वो किसी ने हिंदू बनिया को देखा भी नहीं, किसी ने हिंदू बनिया को आज तक देखा नहीं होगा, मार दिए सबके सब बेचारे, तो कहां से देखोगे, वो तो फोटो दिख सकती है बनिया की कि ऐसा दिखता था एक जमाने में, बाकी बगल में छुरी मुंह में राम राम, बगल में छुरी मुंह में राम राम, जबकि दूसरा है इट इज मुंह में राम राम बगल में छुरी, उसको भी गड़बड़ कर दिया, चले कोई बात नहीं आपने मार दिया अलग बात है, वो तो खत्म हो गया ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि ऐसे लोग आपके टेलीविजन पे एंटी हिंदू चीजें इतनी, अभी आपका वहां पे एक बड़ा वहां पे हल्ला भी हुआ था 4-5 दिन पहले, एक आर्टिकल भी था वहां पे कि इतना कैजुअली कुछ बोल देते हैं ना कि आपके वो कौन है जो अस्पताल में भर्ती हुआ था यार, वो क्या नाम उसका, वैभव, अरे बड़ा हीरो है वो भी यूपी यूपी का ही है कहीं पे, वो बड़ा पाकिस्तान है, वो उत्तर प्रदेश का ही, वो अच्छा आमिर लियाकत, आमिर लियाकत वो भी बड़ा कलाकार है, देखो आमिर लियाकत वो जब बात करता है तो वो भी देखिए ऐसा है, ऐसा होता है ना कि हम लोग भी देखते हैं प्रोग्राम, अगर इंडिया में कोई पैनल पे गेस्ट ऐसी बकवास कर देना, एक ने करी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उस बंदे ने बकवास करी, चैनल ने उसको पिछले 3 महीने से बैन कर रखा है, उसकी औकात नहीं है घुस जाए गेट के अंदर, आप बहस में कुछ भी करिए, मैं आपको बोलूंगा आप दहशत गर्द हो, आप मुझे बोलो मेजर साहब आप दहशत गर्द हो, हम एक दूसरे को 10 गालियां दें, मैं आपके ईमान को आप मेरे ईमान को नहीं कह सकते, और एंकर बाय गॉड सर एंकर हमारा अगर कुछ बात कर दे किसी एंकर की नौकरी चली जाएगी, यहाँ पे पाकिस्तान का टॉप एंकर बना हुआ है, वो गालियां देता है खुल के, तो ये फर्क है। मैं बिल्कुल बता देता हूँ इसके ऊपर मिसाइल वाली बात, वो मैंने आपको बता दी, दुनिया में मंगोलियन ने कितने इंसानों को मारा, हिटलर ने कितने इंसानों को मारा, उसके बाद यूएस और रशिया ने कितने इंसानों को मारा, हीरो क्यों है सर ये बताइए, जंगे हुई है लेकिन आप उसको जो है ना आप उसको मतलब जिसे कहते हैं ना गलत रंग बिल्कुल ना दे, जंगे उस जमाने में होती रही है, वो जंगे होती थी, जंगे बिल्कुल होती थी, बिल्कुल कत्ल गारत भी होती रही है, वो कोई ऐसी वो बात नहीं है कि मतलब मैं कहूं कि वो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, वो भारत आए क्यों, उनको किसने बुलाया, इनविटेशन किसने दिया मुगलों को, बाबर क्यों आया यहाँ पे, किसने पूछ कर आया, नहीं उस वक्त इनविटेशन नहीं दी जाती, वही आता था जो ताकतवर होता था, ये मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ छोटी सी बात पे कि सर इनके यहाँ का जो वजीर आजम है वो ट्वीट करता है कि एर्तुगरुल देखो ठीक है, वो कहता है कि अगर असली इस्लामिक हिस्ट्री तुमको जाननी है तो एर्तुगरुल देखो, वो एक नया टीवी सीरीज टर्किश सीरीज इनके यहाँ शुरू हुआ है, इनके यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको कभी मलेशिया बनना होता है, कभी इनको सऊदी अरेबिया बनना होता है, कभी इनको टर्की बनना होता है, ये मतलब खिलाफत राशिदा जो थी, अब ये मानते हैं कि ये जो एर्तुगरुल जो सीरीज चल रही है ये एक्चुअली में इस्लामिक हिस्ट्री है, जो कि इनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि वो इस्लामिक हिस्ट्री है, जबकि उस खिलाफत का खिलाफत राशिदा तक कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब वो ऑटोमन एम्पायर वो कहते हैं कि ये इस्लामिक हिस्ट्री है, भाई वो ऑटोमन हिस्ट्री है, वो टर्किश हिस्ट्री है, वो आप पाकिस्तानी या इंडियन हिस्ट्री नहीं, आपकी हिस्ट्री वो है जो हमारी हिस्ट्री है, आपकी आपकी आपके आप जेनेटिकली वो हैं जो जेनेटिकली हम हैं, आप मतलब खुद के माजी से, खुद के एंसेस्टर से, खुद की ब्रीड से इतनी नफरत करने वाली कौम मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी, जो कि कभी टर्किश बनना चाहती है, कभी अरब बनना चाहती है, कभी अफगान बनना चाहती है, कभी उज़्बेक बनना चाहती है, कभी मंगोल बनना चाहती है, अगर कुछ नहीं बनना चाहती तो वो इंडियन नहीं बनना चाहती जो कि वो है। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी तो हम वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं शो को, लेकिन ये कि हम लोग ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप वैभव जी, क्या इंडियन से या इंडिया से नफरत कोई नहीं करता पाकिस्तान में, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी से होती है, इंडियन सिटीजन से नहीं होती, हम जो आम लोग वहां पे रहते हैं उनसे कोई नफरत नहीं करता, यहाँ पे भी लोग जो है वो आप देखे होली दिवाली कुछ भी होता है तो सब ट्विटर पे भी लिख रहे होते हैं, सब एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं बड़े अच्छे से, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनके खिलाफ बात हो रही होती है यहाँ पे। एक आखिरी वर्ड,
अगर हिंदुओं से इतना प्यार है तो वो हिंदू है कहाँ, पाकिस्तानी क्यों नहीं, कहाँ कहाँ गायब हो गए? 1946 में 24% थे, आज 2% से कम है, वो 22% कहाँ गए? इतनी मोहब्बत दिवाली में, इतनी मोहब्बत होली में, इतनी मोहब्बतें बह रही हैं, हिंदू हमारा भाई है, गले मिलो हिंदू से, लेकिन गले मिलते उसका गला घोट दो, खत्म करो। मैम फिगर्स फिगर्स का है, लास्ट वन 10 मिनट में लूंगी। जब पाकिस्तान बना था उसके बाद पार्टीशन के बाद बहुत से लोग जो है वो उसमें बांग्लादेश भी चले गए हैं, आप वहाँ उसको तो काउंट ही नहीं करते, आप लोग गिनना शुरू करते हैं 47 सिटी का, मतलब इंडिया नहीं आए बांग्लादेश गए, चले गए हैं बहुत से लोग के लिए बाहर भी हैं, अभी भी यहाँ पे मौजूद है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है जितना आप बताते हैं। आप बांग्लादेश का आपने नाम लिया, न्यूज एंकर है जो हिंदू है, आपके यहाँ कितने मिनिस्टर्स है जो हिंदू है, आपके यहाँ पे मतलब आप अगर वो हैं इतने और इतने खुशहाल हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, मीडिया में कहाँ है, आर्मी में कहाँ है? रमेश कुमार कौन है? एक रमेश घिस घिस के आपने अलादीन का चिराग बना दिया, मतलब एक रमेश कुमार को लेकर पिछले 25 साल से मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी जो भी सेनेटर बनी है 2018 वाले इलेक्शन में सेनेट की, मतलब वो बनी है कहां से वोट के आई है कि मतलब वो तर के सबसे रिमोट इलाके से, वो मैं एक बात बताऊं आपको, कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितने एंकर है, मुझे एक न्यूज एंकर का नाम बताइए हिंदू का, आप मीडिया के दोनों एक एंकर का नाम बताइए। हामिद मीर हिंदू है, हामिद मीर का नाम हेमंत माथुर है, मैं बता देता हूँ मैं जब से मतलब जिस ग्रुप के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि स्क्रीन के ऊपर एक हमारे पास सिख जो आते थे, बलदेव कुमार ने जिसको मारा था, एमपीए भी थे पेशावर से हमारे, बाकायदा वो शो होस्ट किया करते थे हमारे खैबर टेलीविजन पे 5 साल उन्होंने। दूसरी बात जो आपने हिंदू कम्युनिटी की बात की, हारून सरफदयाल जो खैबर पुख्तूनख्वा के हिंदू कम्युनिटी के प्रेसिडेंट है, बिलीव मी कि कोई ऐसा मौका नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूं, मैं मतलब जो मर्जी हो जाए। मुझे बहुत सारा लोगों ने कहा था कि यार ये, मैं कहता हूं नहीं, माइनॉरिटीज के वही राइट्स हैं जो मेरे हैं, ठीक है, इस पाकिस्तान में उसका पूछ रहा हूं मैं। सर, सर, सर सवाल प्रमोशन की बात आऊं, आपका आपका फिल्म स्टार, सुनिए सुनिए एक मिनट, वैभव ने ये नहीं बोला कि आपने सबको मार दिया, वैभव ने ये बोला कि आपने लगभग सबको मार दिया, मतलब अभी भी हैं जिंदा, पर एक छोटी सी बात ये पूछी कि कौन सा एंकर है, आप नाम बताइए 1 2 3 4 5 नाम, आपके टॉप फिल्म स्टार, आपके लाहौर फिल्म इंडस्ट्री है, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के टॉप फिल्म स्टार्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 हिंदू, आपके जो ऑथर्स हैं जो लिखते हैं, आपके साथी हैं बड़े बड़े, 1 2 3 4 5 कौन है हिंदू, आप बता दीजिए। आपके बिजनेसमैन इंडिया का, आपको पता है इंडिया का सेकंड रिचेस्ट जो बंदा है वो मुसलमान है और उसके पास इतना पैसा है, ही इज वर्थ सो मच ऑफ मनी दैट, अब क्या बताऊं, ही इज वर्थ सो मच ऑफ मनी। अगर कोई बंदा किसी इंडस्ट्री, देखिए आप मुझे आरजू जी आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगी, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये आर्ग्यूमेंट आप इसलिए हार गई क्योंकि आपको ढूंढना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है, सुनिए आपके डिजाइनर हैं, हमें पता है परवाना नहीं है, पेरवानी है, वो सिंधी आदमी है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने नाम बदल दिया उसका, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एंकर बताए ना, एंकर मैंने तारान सिंह बताया ना आपको, जो मर गया वो टाइम भी पीटीवी में वो करते हैं शो, पीटीवी से शो करते हैं, और वो जिंदा है, वो उसको छोड़ दिया आपने, जिंदा वो करते हैं ना, उनकी आत्मा आके तो नहीं शो कर रही है, क्या बात है। तो हमारे यहाँ अगर किसी भी फील्ड में आप देखेंगे ना, किसी भी फील्ड में आप पॉलिटिक्स में देखें, बॉलीवुड में देखें, बिजनेस में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री बिल्कुल पाक और साफ है, हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल आप देखें, कहीं पर भी आप देख लें, ठीक है, आपको मिलेंगे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, कॉर्पोरेट्स में, बिजनेस में, पैसा कमाने की फील्ड में। सिप्ला है, इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, सिप्ला इज ओन्ड बाय मुस्लिम्स, विप्रो इज ओन्ड बाय आजम प्रेम जी, आजम प्रेम जी मुस्लिम है। नहीं, तो बिल्कुल, और किसी ने, और आज तक मेरा बॉस रह चुका है आजम प्रेम जी, वर्क फॉर विप्रो, और आज तक हमने कभी सोचा भी नहीं कि वो मुस्लिम है, क्योंकि कभी अकर ही नहीं हुआ, नहीं, कभी अकर ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और बेहतर की तरफ जाएंगे होपफुली। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात इनको बता दूं, मर्दान, मर्दान एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इस वक्त भी, इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बिलीव मी, वहां पे जो सबसे बड़े बिजनेसेस है, शुक्र अल्लाह का कि वो हिंदू कम्युनिटी के पास। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ भाई, मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं मर्दान सिटी मेरे से 10 किलोमीटर भी नहीं है, मेरा सारा कुछ वहीं पे है, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी फैमिली सब वहां पे रहते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे ज्यादा कस्टमर हिंदू कम्युनिटी के पास आता है। क्यों? लोग ये नफरत नहीं करते, लोगों को अगर कोई अच्छी चीज दे रहा है वो ये नहीं करता कि किसी की बड़ी दाढ़ी और उसने 10 हज किए हुए तो लोग उसके पास जाके मतलब उससे कोई चीज परचेज करेंगे। उसको अगर किसी कादियानी के पास अच्छी चीज अवेलेबल है उससे लेगा, किसी हिंदू कम्युनिटी के बंदे से उससे लेगा, किसी सिख से, जिस तरह आप लोगों के बीजेपी ने भी अनाउंस किया कि मुसलमानों से सब्जियां नहीं लेनी, ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे बिल्कुल नहीं। दूध का सबसे बीजेपी ने अनाउंस नहीं करा सर, बीजेपी ने अनाउंस नहीं करा, बीजेपी ने इनको लेटर भेजा था एक सीसी करके। बीजेपी के एक एमएलए, बीजेपी के एक एमएलए ने बोला था, उसको टाइट कर दिया ऐसा कि एमएलए की सांस बंद हो गई, बोला था बीजेपी, बीजेपी ने नहीं बोला। फकर साहब हम ये नहीं कह सकते कि किसी पाकिस्तानी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका, मैं बोलूंगी जी पाकिस्तानी आर्मी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, ऐसा नहीं है, वो एक पाकिस्तानी ने पत्थर फेंका मेरे ऊपर। तो हाँ, एक बीजेपी वाले ने बोला था कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदनी, अब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं,